हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फिरदौसी बैच क्लास नंबर 5। इससे पहले फिरदौसी की चार क्लास हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपको परसेंटेज पढ़ाया गया है, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑनेज। अभी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करने से पहले फिरदौसी बैच आपके कौन कौन एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा और उसको आपको कैसे कवर करना है, उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन हर सेशन में देता हूँ। अगर आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर चेक करना चाहते हैं तो 2-4 मिनट की वीडियो आप आगे बढ़ा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में जो फिरदौसी बैच है, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिट करेगा। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो SSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहा है, या बैंक एग्जाम की, या टेरिटोरियल आर्मी की, SSC के अलावा SSC के जितने और एग्जाम है वो भी, जहां भी आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो CDS के लिए हो, चाहे वो FCAT के लिए हो, या फिर कोई भी एग्जाम के लिए हो, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हर एक एग्जाम के लिए इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फिरदौसी बैच आपके हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिट करने वाला टॉपिक बैच है एक, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि काफी स्टूडेंट इसको शेयर नहीं कर रहे, तो आप जैसे एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट कम से कम 2 स्टूडेंट को तो शेयर करे ही करे, चाहे आपके कजन ब्रदर सिस्टर है, चाहे आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसके अंदर मैं आपको बेसिक भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और इसकी हाई लेवल तक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट को ध्यान में रखें कि आप कम से कम दो दो अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर करो और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसे बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट का आपको बेसिक जरूर पता होना चाहिए कि बेसिक इसके अंदर है क्या, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, आर परसेंट क्या होता है, वो सारा पता होना चाहिए और वो चीजें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हेल्प करने वाली है, क्लियर। और प्लेलिस्ट को देखना मत भूलें, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी के कंसेप्ट, एडवांस मैथ के ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सर्ड इंडाइसेस, नंबर सिस्टम के कंसेप्ट, लॉगरिथम, CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, FCAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी चीजें आपको यहाँ पे हेल्पफुल आपको देने वाले हैं। तो सारा का सारा प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड मैंने करवा रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट क्या होगा, जैसे एक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एक आर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे टाइम का मतलब तो हर एक स्टूडेंट को पता ही होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा और इसको आपने नोट भी करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ा दिया तो बाद में पता चले यार कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है, उसके लिए आपको नोट भी करना पड़ेगा। बट ऐसा भी ना हो कि जैसे जैसे मैं ये अमाउंट लिख रहा हूँ आप भी ऐसे ऐसे अमाउंट लिखो, ऐसा नहीं करना। जैसे मैंने सारा कुछ लिख दिया उसके बाद नोट करना है, पहले सीखो कि है क्या। जैसे यहाँ पे मान लो कोई ए पर्सन है, उसने बैंक में पैसा जमा करवाना है, बैंक में उसने यहाँ पे 100 रुपए जमा करवा दिए। जो ए पर्सन ने बैंक में 100 पैसे जमा करवाए हैं, 100 रुपीज जमा करवाए हैं, वो उसका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ये बात आपके हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्लियर। सबसे पहली बात, पहली बात क्या है कि आपने बैंक में पैसा जमा करवाया। दूसरी बात यहाँ पे, बैंक ऐसा तो है नहीं कि बैंक ने आपको 100 रुपये आपने जमा करवा दिया और 2 साल या 5 साल के बाद आपने 100 रुपया वापस ले लिया, तो बैंक आपको हमेशा के लिए आपको कुछ 4% देगा, 1%, 2%, 5%, 7%, कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट देगा। बट ध्यान रखें, 1 साल के बाद देगा, 1 साल से पहले कोई भी नहीं देगा, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, आपने पहले इंटरेस्ट ले लिया या फिर आपने 3 महीने बाद ही देख लिया कि यार मेरा जितना बनता है वो दे दो, तो उसमें कैलकुलेशन वाइज कुछ बैंक कर सकते हैं, बट हर एक बैंक आपको नहीं करके देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी के लिए बैंक बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम्हें 10% दूंगा यहाँ पे पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10% पर एनम आपको मिलेगा। अब जिन बच्चों को परसेंटेज पढ़ी है उनको पता है कि 10% का मतलब क्या है, उनको पता है कि यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। हर एक 100 रुपए के बदले में बैंक आपको 10 रुपए फालतू देगा, जिसको हम बोल देंगे इंटरेस्ट, जो आपकी कमाई हो जाएगी बैंक में पैसा जमा करवाने वाली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि यार बैंक वाले बोलते हैं कि चलो तुम 2 साल के लिए पैसा रखो और 2 साल के बाद ले जाना और तुम्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, तो आप खुद ही सोच के देखो कि आपको इंटरेस्ट यहाँ पे 1 साल का 10% है, तो 2 साल का 20% होगा या नहीं होगा, सोच के देख लो। तो 20% आपके मन में आ रहा होगा, यार सीधी सी बात है, 10% पर एनम 1 साल का है, तो यहाँ पर 2 साल का 20%, तो प्रिंसिपल का 20% मिल जाएगा, यही आपका शॉर्टकट होगा। बट अभी हम शॉर्टकट के ऊपर नहीं जाएंगे, अभी आपको बेसिक समझना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, PRT/100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल आपने यहाँ पे 100 रखा, आर परसेंट आपने 10 रखा,
टाइम आपने दो रखा और डिवाइड बाय आपने यहाँ पे 100 कर दिया। ये बात वही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप सिंपलीफाई करोगे तो इसको यहाँ पे 100 से 100 कट करोगे तो 20 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। बट आपको इसका शॉर्टकट में यहाँ पे अभी समझाने की कोशिश करूंगा, उसको आपने एक ही पॉइंट में समझना है। ठीक है, क्या समझना है कि प्रिंसिपल तो 100 रुपए था। देखो जो आपके पास 10/100 है तो क्या इसको मैं यहाँ पे 10% लिख दूं, क्योंकि 10% ही तो होता है 10/100। और मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करूंगा तो क्या ये इसका 20% हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोल सकते हैं कि 100 का 20%। और अगर आपको पता है 100 का 20% हम ऐसे करके निकाल सकते हैं तो आपका तब भी आंसर 20 आएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि यार ये तो क्या हमें सीखने की जरूरत है, सीधा सीधा ये लगता हो रहा है। बिल्कुल सही है, ये आपका लग जाएगा। बट बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको ऐसे करने से आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को नोट करके आप सिंपल इंटरेस्ट चेक कर लो 20 रुपए। अब इसको वर्बली करके देखो तो जरा, 10% 1 साल में तो 2 साल में कितना होगा 20%, तो 100 का 20% 20 रुपए होगा या नहीं होगा, तो इंटरेस्ट मिल गया आपको। क्लियर? तो आपके पास ये अमाउंट का क्या स्ट्रक्चर होता है? अमाउंट का स्ट्रक्चर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब बैंक वाला बोलता है कि यार बैंक वाले ने आपसे 100 रुपया लिया था, 10% के ऊपर 2 साल के बाद आपको कुछ अमाउंट वापिस कर देगा। वो अमाउंट वापिस कर देगा तो कितनी अमाउंट वापिस करेगा? जितना बैंक वाले को पैसा आपने दिया था वो भी मिलेगा, और जो आपको इंटरेस्ट मिला वो भी मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि 120 रुपये आपको वापिस करेगा। तो जो आपके पास आपने पैसा जमा करवाया और जो आपको पैसा बैंक वालों ने इंटरेस्ट के माध्यम से दिया, वो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपके पास अमाउंट होता है। ये बात आई होप सबको क्लियर हो चुकी है। और अमाउंट अगर आपके पास 120 है, आपके पेपर में अमाउंट पूछा जा सकता है, आपके पेपर में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, बाकी आर और टी भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, आई होप सबको ये बेसिक क्लियर हो गया। जिसको नहीं समझ आया वो थोड़ा सा बैक जाके जो भी पॉइंट आपका मिस होता है, कई बार होता है एक आधा पॉइंट में फास्ट बोल देता हूँ, नहीं समझ आएगा, तो आपको एक बार उसको दोबारा से समझ लेना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा पॉइंट देखो, अभी जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे थे, अगर आपने नहीं नोट किया इसको आप नोट कर लो। दूसरा पॉइंट आपके लिए, ये भी आपके लिए जरूरी है जो मैं अभी फिर से बताने वाला हूँ, कि प्रिंसिपल चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा, ये हमेशा हर क्वेश्चन में 100% रहता है। क्योंकि मैंने परसेंटेज में बताया था, आपके पास जो भी फुलफिल है, जो भी आपकी इनकम है, वो 100% है। आप बैंक में गए, बैंक वाले को बोला यार मेरे पास इतना पैसा है, इसको ऐड कर लो, जमा कर लो, तो आप बैंक वाले को अपना 100% ही देकर आओगे। वो बात अलग है, वो आपकी सेविंग है या एक्सपेंडिचर है, जो भी होगा, जो आप पैसा जमा करवाने जाओगे वो आपके लिए 100% होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमेशा हर क्वेश्चन का 100% रहेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको आर परसेंट की बात कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पे अब मैं 20% ले लेता हूँ। मान लो पेपर में लिखा आ गया आर परसेंट 20%, तो याद रखना अगर यहाँ पे नहीं मेंशन है यहाँ पे पर एनम, तो बाय डिफॉल्ट आप अपनी मर्जी से पर एनम लगा दोगे। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, ये आपको काफी किताबों में नहीं पता चलेगा। ठीक है, तीसरा फंडा, टाइम मान लेते हैं यहाँ पे 3 साल का, 3 साल 2 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, वो चीजें मैं आपको आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो चीजें हम सीखते जाएंगे। ठीक है, अभी 3 साल का, तो अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये बताओ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई। तो आपको पता है कि 20% 1 साल का, तो 3 साल का कितना मिल जाएगा भैया? 60%, 60% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? ऑलरेडी 100% है, 100% का 60% निकालोगे तो ये 60% ही आएगा, चेक कर सकते हैं आप। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, हमें फॉर्मूले से बिना भी जाना होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। तो सर ये आप डायरेक्ट ऐसा क्यों बता रहे हो? मैं आपको 1 मिनट में सारी कहानियां अभी क्लियर कर दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं फालतू चीजें बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम इस चीजों से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे हमारे पास प्रिंसिपल 100% है, इंटरेस्ट यहाँ पे 60% है, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 160% आपके पास अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? सो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा आएगा कि आपके पास ये वाली कंडीशन दे दी जाएगी, ये वाली कंडीशन दे दी जाएगी, और वहां पे बोल दिया जाएगा प्रिंसिपल हमें नहीं पता, आर परसेंट कितना है 20% 1 साल का, और उसके बाद बोल दिया जाएगा टाइम आपके पास है यहाँ पे 3 इयर्स का। तो आपके पास गिवन होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके पास है 600 रुपए, तो बताओ प्रिंसिपल कितना है। तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भैया, पी आर टी बाय 100। हम इसको यहाँ पर ऐसे अप्लाई करके भी कर सकते हैं,
बट हमें यहाँ पे डायरेक्टली सोचना होगा कि यार सिंपल इंटरेस्ट तो 60% है। अगर 60% की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 600 है तो बताओ 1% की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी। और उसने पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कोई भी क्वेश्चन का हो वो हमेशा 100% होगा। तो क्या 100% की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1000 होगी बाय यूनिटरी मेथड? तो डायरेक्ट आपका इतना सा क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है किसी को लगा हो कि यार ये पता नहीं क्या इतना डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट नहीं है, आप इसके ऊपर थोड़े से जब मैं 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको ये याद ही हो जाएगा, और इससे बेहतरीन चीज नहीं है। हम आज सिंपल इंटरेस्ट के 60 क्वेश्चन करेंगे, 60 में से 45 या 50 क्वेश्चन हम इसी फॉर्मेट से करने वाले हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो इसको एक बार नोट कर लो, अच्छे ढंग से समझ लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसे, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे मंथ वाला स्ट्रक्चर भी मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में दो कंसेप्ट आने चाहिए। एक तो जो मैंने आपको सीधा सीधा आर एंड टी का मल्टीप्लाई करके बताया था वो कंसेप्ट, दूसरा है फॉर्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था हमारे पास यहाँ पे पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें दैट इज ए 1 पैसा, तो यहाँ पे मैं 1 पैसा लिखूंगा इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारे पास 1 रुपया, तो यहाँ पे हम 1 रुपये लिखेंगे। और आर हमें यहाँ पे फाइंड करना है और टाइम हमारे पास है 1 मंथ, तो यहाँ पे 1 मंथ तो लिखेंगे लिखेंगे बट हम डिवाइड बाय 12 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने पर एनम पूछा और हर बार पर एनम ही होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आर परसेंट कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा 1 साल का आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आर परसेंट है 1 महीने के ऊपर काउंट करना, बट 1 साल का मतलब क्या होगा डिवाइड बाय 12, तभी तो वो ईयर में कन्वर्ट होगा। पर एनम का मतलब है 1 साल, तो इसलिए हमें यहाँ पे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 100 है, ये हमारा यहाँ पे आएगा ही आएगा डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो काफी बच्चे इतना सा सॉल्व करेंगे आंसर उनका गलत ही आएगा। तो आंसर सही कैसे आएगा? आंसर सही आएगा कि यहाँ पे 1 पैसा है, यहाँ पे 1 रुपया है, तो फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा। तो 1 पैसे को 1 रुपया बनाने के लिए मुझे डिवाइड बाय 100 करना होगा, तभी यहाँ पर 1 पैसा 1 रुपया बनेगा। तो रुपीज से रुपीज कट जाएगा और ये 100 से ये 100 कटेगा और आर हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 12 आएगा। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे कहानी इसके ऊपर भी आती है कि सर पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करें। अब आप खुद ही सोचो, मैं बोल दूं आपके पास 1 रुपया है, इसको पैसे में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आप क्या करोगे, 1 को यहाँ पे 1 रुपया है तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। बट अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यहाँ पे 1 पैसे की वैल्यू निकालूंगा तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/100 रुपया आएगा या नहीं आएगा? तो वही कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लगा के दिया आपको, ठीक है? और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास, एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमें ये भी समझ आया। तीसरा कंसेप्ट बोलो, तीसरा कंसेप्ट ये कि सर हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास r इंटू टी से मल्टीप्लाई करके सीधा। भाई जब r परसेंट ही पूछा है तो r t करेंगे तो फंसेंगे भी थोड़ा सा तो फंसोगे। हालांकि हम उसको कर सकते हैं बट हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे हमारा स्मार्ट वर्क ये कहता है कि जब हमारे पास r फाइंड करना होगा तो फॉर्मूले से बेहतरीन चीज कोई नहीं है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। कोई उलझना नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाया सीधा उत्तर। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, राम लेंट आउट। लेंट आउट का मतलब हमेशा प्रिंसिपल होगा, चाहे पैसा दिया लिया वो हमेशा प्रिंसिपल। 600 रुपए 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन व्हाट अमाउंट ही अर्न। अर्न का मतलब क्या होगा, बैंक आपको फालतू में पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला तो याद आएगा ही आएगा, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो आप इसको कट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कट करने के बाद 120। यहाँ पे 10% था, ठीक है? तो यहाँ पे इसको अब कट करेंगे तो 120 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया, ठीक है? बट इसके लिए आपको दूसरा अप्रोच भी ध्यान रखना होगा कि आर परसेंट है 10% 1 साल का, तो 1 साल में अगर आपको 10% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 20%। तो प्रिंसिपल का सीधा ही आपको 20% निकालना था, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा इंटरेस्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल अमाउंट एंड एसआई सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर एट द रेट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 6400 रुपीज, फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कई बार स्टूडेंट ऐसा मैंने देखा है कि वो इस फॉर्मेट को गलत समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट,
इसका मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट आपका पी ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस एस आई, ठीक है। तो इन दोनों चक्रों में आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब सिर्फ पी होता है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट टू लिखा आएगा तो वो आपकी अमाउंट होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको बेसिक से करके चेक करना चाहते हैं, वो चेक कर लो कि प्रिंसिपल जो भी था हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर थ्री ईयर जो इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 6400 रुपए गिवन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो पी रहेगा, बट सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपके पास, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, जो आपके पास आर और टी गिवन है मैंने वो यहाँ पे अप्लाई किया, और इज इक्वल टू 6400। यहाँ से पी को आप कॉमन निकाल सकते हैं और 100 को आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 6400। यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6400 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको माइनस करके आप डिवाइड करोगे तो 64 आएगा, और इसको आप कट करके चेक करोगे तो प्रिंसिपल यहाँ पे 10,000 आएगा, जो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, ठीक है। तो ये आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की बात करूं तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि 12% तो एक साल में था इंटरेस्ट, और तीन साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 36%, और प्रिंसिपल हर क्वेश्चन का क्या होता है, 100%। तो 100% और 36% का डिफरेंस क्या, 64% आएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस मैंने एसआई ही किया है और कुछ भी नहीं किया, और ये 64% की वैल्यू आपके पास 6400 यहाँ पे गिवन है। तो ये कब आएगा, जब आप 1% की वैल्यू निकालोगे, तो इसको आप कट करोगे तो 1% की वैल्यू 100। तो अगर पूछा रहे 100% तो 100% आपका प्रिंसिपल था, तो 100% की वैल्यू आएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल टू 10,000, क्लियर, दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। तो आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन बारो सम मनी एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, 6%, यहाँ पे देखो 6% लिखा हुआ है, यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप पर एनम लगा के चलोगे, ठीक है। 6% पर एनम फॉर द 3 ईयर, 7% यहाँ पे भी पर एनम होगा, फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम इज दिस अमाउंट, फाइंड हाउ मच मनी डिड ही बोरो। तो इस क्वेश्चन को काफी बच्चे इसको बेसिक से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, एक बार अगर आप क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4% पर एनम एक साल के लिए, तो यहाँ पे 4 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4% एक साल में, तो 4 साल के अंदर आपको टोटल 16% का इंटरेस्ट मिलेगा। 6% एक साल में, तो यहाँ पे 3 साल में आपको 18% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर 7% आपके पास एक साल में, तो 10 साल के अंदर अंदर 70% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा सबको ऐड करके देखेंगे तो 104% का, और टोटल इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू गिवन कितना है, 8528। तो यहाँ पर इतना आपके पास इंटरेस्ट गिवन है। तो उसने क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ मच मनी डिड ही बोरो, जो भी मनी बोरो करेंगे या प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा 100% होती है। तो अगर आप यहाँ से 1% की वैल्यू करोगे तो 1% कितना हो जाएगा हमारे पास, 8528 डिवाइड बाय 1084। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 82। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ 100% कितना होगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 82 मल्टीप्लाई बाय 100, That is equal to 8200. That is the principal amount. Option number A must be the correct answer. चाहे पैसा बोरो किया हो या किसी को प्रोवाइड किया हो, वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, प्लस सेम प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, प्लस सेम प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 जो आपके पास यहाँ पे गिवन था, फिर से इंटरेस्ट ऐड होगा, और तीनों का इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 8528। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकालोगे तो वो भी आपके पास आंसर में 8200 आएगी। आपकी मर्जी आप ऐसे करो, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर जल्दी जल्दी आएगा, डायरेक्ट आएगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं इस वाले फॉर्मेट को भी ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि ये फॉर्मेट आपके दिमाग से स्किप हो जाए, हमें ये दोनों ही तरीकों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन टू के सर्टेन सम ऑफ लोन, सम एज ए लोन, लोन जो भी होगा हमेशा 100% होगा और वही आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। फ्रॉम द बैंक एट ए रेट ऑफ 9% पर एनम, द मैन लेंड द सेम अमाउंट टू द अनदर पर्सन एट 15% पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट पर एनम,
इफ द रेट इफ एट द एंड ऑफ द फोर इयर्स मैन मेड ए प्रॉफिट ऑफ 9,000 फ्रॉम द डील, व्हाट वाज द ओरिजिनल सम। तो उसने स्टार्टिंग में ये लिया था जो पैसा वो कितना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पीआरटी से करना चाहते हैं हो जाएगा, बट आप इसको बेसिक से एक बार वीडियो को पॉज करके देखो। मैंने बोला ही था कि सिंपल इंटरेस्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो इसको अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पर एक पर्सन ए है, उसने बैंक से जो लोन लिया है वो उसको वापिस करेगा 9% के ऊपर एक साल के अंदर, 8% के ऊपर। ए ने पैसा दे दिया बी को, बी ए को 15% के अकॉर्डिंग इसने पैसा दिया, तो बी ए को 15% पर एक साल के वापिस करेगा। तो अगर आप वैसे चेक करो ए को क्या मिलेगा एक साल के बाद, 6%। अगर आप वैसे चेक कर लोगे तो 9% तो ये बैंक को देगा, 15% इससे लेगा, तो ए को बचेगा कितना, ए को बचेगा यहाँ पे 6% एक साल का, और टोटल 4 साल में कितना पैसा बच जाएगा इसका, यहाँ पे टोटल बच जाएगा यहाँ पे 24%। और ये 24% का ही तो प्रॉफिट है यहाँ पे 9,000, क्योंकि 24% को प्रॉफिट हुआ वही आपके पास यहाँ पे 9,000 की वैल्यू में गिवन है, और पूछा गया है यहाँ पे 100%। तो आप सीधा सीधा वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे 24 से डिवाइड करने के बाद, और उसने ओरिजिनल सम पूछा, तो ओरिजिनल सम यहाँ पे क्या होता है 100%, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे 9,000 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड आएगा मेरे ख्याल से, बट फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। एडम बोरो सम मनी एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 5 ईयर्स। If he pay total interest of 11400 at the end of the 9 years, how much money did he borrow? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने ट्राई कर लिया वीडियो पॉज करके तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ट्राई जरूर किया करो, जो भी क्वेश्चन आएगा अब आपने हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 6% एक साल के लिए, अगर 6% एक साल के लिए होगा तो 2 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 12% का। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 9% एक साल के लिए, तो 9% एक साल के लिए होगा तो 3 साल के लिए कितना मिल जाएगा 27% मिल जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 14% एक साल के लिए, और यहाँ पे उसने लिखा फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड द 5 ईयर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 70% लिखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल इंटरेस्ट 9 साल के लिए मिलेगा, जिसमें 5 साल तक का तो ऑक्यूपाइड हो चुका है, 5 साल के बाद जो बचे हुए 4 साल हैं उस 4 साल के लिए आपको 14% का इंटरेस्ट देना मिलेगा यहाँ पे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे 56%, 14% एक साल का तो 4 साल में 56। तो अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करोगे 7 और 2 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 15, तो 1 कैरी जाएगा यहाँ पे 4 4 एंड 9, 95% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है यहाँ पे 11400। अगर आपसे पूछा रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो बोरो अमाउंट हमेशा क्या होती है 100% होती है, तो 100% की वैल्यू होगी 11400 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 5 के टेबल के ऊपर आप कट कर दोगे तो यहाँ पे 19 आएगा, इसको आप 19 के टेबल पे कट कर दोगे तो ये 600 आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो प्रिंसिपल क्या आएगा 12,000 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 95% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो 12,000 ही एक ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, तो कैलकुलेशन के बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को आप पीआरटी से भी कर सकते हैं, जो मैंने इससे पहले आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने बताया था वो वाला सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे बियॉन्ड का लॉजिक है उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अरुण लैंड रुपीज 20,000 फॉर टू ऑफ हिज फ्रेंड, ही गेव 12,000 फॉर द फर्स्ट एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम। अरुण वांट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल, द सिंपल इंटरेस्ट रेट एट विच शुड ही लैंड द रिमेनिंग सम ऑफ मनी टू द सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन को कितना आर परसेंट रखे उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे 2 तरीकों से समझाना चाहूंगा प्रॉपरली। सबसे पहला तरीका आपका बेसिक आना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं अरुण की बात करूँ तो उसका प्रिंसिपल कितना है 20,000 है टोटल, तो 20,000 अगर टोटल है अरुण को कितना प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम।
अब यहाँ पे आपको देखना, खुद ही देखना होगा यहाँ पे टाइम कितना लिखा है। यहाँ पे आप देखो, इसको चेक कर लो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर कुछ भी ना दिखे, याद रखना आप उस टाइम को यहाँ पे 1 साल मान लो, आप उस टाइम को 2 साल मान लो, आप उस टाइम को 10 साल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन वालों ने टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप 1 साल मानो, 2 साल मानो, 10 साल मानो, 50 साल मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं, PRT/100 इक्वल टू इंटरेस्ट, ताकि आपको ये याद रहे बार बार। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट आर डिवाइड बाई 100, तो PRT/100 किया तो अरुण का ओवरऑल जो है 10% का सपना पूरा हो गया। उसके बाद जो है ये इंटरेस्ट है, ये उसने एक बंदे को दिया है 12,000 के ऊपर, तो 12,000 प्रिंसिपल, उसका आर परसेंट, उसका टाइम डिवाइड बाय 100 प्लस 12,020 में से 12,000 तो एक को दे दिया, तो बचा हुआ पैसा किसको देगा, यहाँ पे सेकंड फ्रेंड को 8,000 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। मैं रिपीट करके समझाऊंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये वाला जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट है यहाँ पे अरुण का, ये वाला प्रॉफिट अरुण ने दो अपने फ्रेंड को दे दिया, एक फ्रेंड को 12,008% के ऊपर, और 12,000 एक को दे दिया 20 में, तो बचा 8,000 उसको आर परसेंट के ऊपर। टाइम दोनों का सेम, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम एक रखा है, और जो ए और बी का प्रॉफिट है वो ओवरऑल अरुण के बराबर आना चाहिए। तो यही क्वेश्चन वालों ने बोला, हमने इक्वेशन वाइज कर लिया। अब आपकी मर्जी है कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया सर, पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ एक इक्वेशन बनाइए, उसको आप डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसी का शॉर्टकट है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसी का शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पे सीधे वर्ड्स में समझाना चाह रहा हूँ, कि जो 12,000 पैसे ए को दिए और बी को दिए, इनको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा यहाँ पे, कि 12,000 रुपया दिया कितने में से, 20,000 में से, और कितने परसेंट के ऊपर, ए को मिला यहाँ पे 8% के ऊपर, प्लस 20 में से 12,000 दे दिया, बचा कितना 8,000, किसमें से, 20,000 में से, कितने आर परसेंट के ऊपर पता नहीं, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू ओवरऑल इंटरेस्ट कितना यहाँ पे 10%। तो आपकी मर्जी है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें या फिर इस तरीके से, आंसर दोनों से सेम आएगा। पहले तो वीडियो पॉज करके दोनों को लिख लो, समझ लो कि हमने क्या क्या लिखा है, ठीक है। आई होप सबने ये वाला नोट कर लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करके दोबारा से समझा रहा हूँ कि पेपर में आपके अंदर कैसे आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे उसने लिखा कि एक बंदे को 12,000 रुपए दिए, किसमें से, 20,000 में से, 20,000 में से 12,000 दिए कितने के ऊपर, 8% के ऊपर, और दूसरे बंदे को 20,000 में से कितने मिलेंगे फिर, अगर एक को 12 मिल गए तो उसको 8,000 रुपए मिलेंगे, कितने के ऊपर पता नहीं, एक्स परसेंट के ऊपर, और ओवरऑल उसको कितना मिलना चाहिए यहाँ पे, 10%। तो यहाँ पे देखो जीरो से जीरो कट गई, यहाँ पे जीरो से जीरो कट गई, हालांकि मैं इसको भी कट कर सकता हूँ, बट मुझे दिख रहा है कि यार ये 20 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, 1/20 कॉमन निकाल लो, 12 × 8 करोगे यहाँ पे 96%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 और इसके साथ x आ जाएगा x परसेंट, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%, ये इधर 20 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 96% और ये आ जाएगा 8x% इक्वल टू 20, इधर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा 200%। 96 इसमें से आप माइनस कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो आएगा 104, और x परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 104/8, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, कट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 310, तो 13% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार इसको आपको करने में थोड़ा सा लग सकता है कि सर ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चीज आज नहीं तो कल आपको याद रखनी पड़ेगी, और यही कंसेप्ट आपको प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, ठीक है। तो पहला हमने सीखा यहाँ पे पीआरटी वाला अप्रोच, पीआरटी बाय 100। दूसरा आपको मैंने बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा 1 साल का, तो 2 साल के लिए सीधा 20%। तीसरा मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ कि आपको ये चीज आज नहीं तो कल याद रखनी है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगी। तो तीन कंसेप्ट आपको प्रॉफिट सिंपल इंटरेस्ट के मैंने अभी समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। If the annual rate of a simple interest increase from 10% to 15%, income increase by 2500, then find the principal. इसको आप यहाँ पे direct approach करने से पहले आप इसको formula से कर सकते हैं कि अगर जो हमारे पास यहाँ पे principal था, पहले उसका interest कितना था यहाँ पे 15% 1 साल का divide by 100 minus principal interest 1 साल divide by 100 equal to 2500। मैं समझाता हूँ ये मैंने क्या लिखा है।
क्योंकि हमें पता है यहाँ पे पीआरटी बाय 100 करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा, तो 15% वाला इंटरेस्ट और 10% वाले इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 25 हुआ। ये सीधा सीधा हो गया क्वेश्चन, यहाँ से आप प्रिंसिपल को फाइंड कर लोगे। एक तो तरीका आपका ये रहा, बट यहाँ पर आपको सोचना समझना पड़ेगा यार, एक साल की तो कहानी है सीधी सीधी, एक साल में आपको वैसे चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर एक साल में 5% का इंक्रीमेंट हुआ है तो 5% क्या 2500 के बराबर आप डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो यहाँ से आप पूछोगे 1% तो कितना आएगा 500, उसने पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहाँ पे 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 50,000। ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, टू इक्वल अमाउंट ऑफ सम आर डिपॉजिट इन द बैंक एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम एंड द टोटल अमाउंट डिपॉजिट फॉर द 3 and 5 years respectively. इफ द डिफरेंस बिटवीन द SI obtained इज 120, फाइंड द सम। सम को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो सीधा सीधा चेक कर सकते हैं कि अगर एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, 5% का इंटरेस्ट अगर 3 साल के लिए मिलेगा तो टोटल इंटरेस्ट 15% मिलेगा। 5% का इंटरेस्ट अगर 5 years के लिए मिलेगा तो टोटल इंटरेस्ट 25% मिलेगा। और दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10%, और ये 10% का डिफरेंस ही तो इसके बराबर दे रखा है 120। तो हम बोल सकते हैं कि 10% अगर 120 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा यहाँ पे 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1200 आएगी। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। ए सम वाज पुट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 4 ईयर। Had he put at a rate of interest 4% higher than the previous interest, it would fetch 80 rupees more. What is the sum? इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आपको भी ट्राई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वीडियो चलती जाए, मैं ही सॉल्व करता रहूं। आपके दिमाग में आ तो रही है चीजें, बट आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो समझ ही नहीं आएगा। मैथ्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे 4% का इंटरेस्ट है यहाँ पे 1 साल का, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे? सीधा सीधा 16% का, और 16% का इंटरेस्ट उसका बढ़ गया ओवरऑल। मैं आपको आकर बोलता हूँ कि यार 4 साल के लिए इंटरेस्ट मिल रहा था, अब 4% बढ़ गया, तो भाई 4% 1 साल में बढ़ेगा, 4 साल में 16% का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और 16% इंटरेस्ट बढ़ने से आपको 80 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के बराबर। और प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल याद रखना पड़ेगा कि 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको पीआरटी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, ए सर्टेन अमाउंट वाज पुट एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट रेट एट आर परसेंट फॉर द 5 ईयर। हैड ही पुट एट 2% हायर देन द हायर रेट, इट वुड फेच 450 रुपीज मोर, फाइंड द सम। तो इस क्वेश्चन को भी आप सिंपल उसी वर्ड्स में कर सकते हैं कि यार 2% 1 साल में बढ़ गया, तो 5 साल के लिए इंटरेस्ट था, तो ओवरऑल तो 10% बढ़ गया होगा। अगर 2% 1 साल में बढ़ेगा तो 5 ईयर्स तक 10% बढ़ गया, 10% की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे 450। अगर उन्होंने पूछा यहाँ पे सम या प्रिंसिपल, तो वो क्या होता है? 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 450/10 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय यूनिटरी मेथड बाय कैलकुलेशन, ये आपके पास आ जाएगा 4500। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए प्रिंसिपल अमाउंट गिव 78950 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, एज ए सिंपल इंटरेस्ट रिमेंबर दैट, फॉर द 5 ईयर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ द 6% टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर द टू ऑफ 2 ईयर्स, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल चेंज करने की बात नहीं कहेगी, तो इसका मतलब प्रिंसिपल सेम होगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, तो आपके पास ये वाला टाइम और ये वाला आर, पी आर टी बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट आ रहा है 78950। एक तो तरीका है कि मैं इसका प्रिंसिपल निकाल लूं, उस प्रिंसिपल को दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर ले लूं, ठीक है? जैसे कि मैं समझाता हूं, यहां से मान लो आपने पी कैलकुलेट कर लिया, वो प्रिंसिपल इंटू आर हमें जो फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100, तो जो इसकी कैलकुलेशन के बाद आएगा वो भी आपका सेम ही इंटरेस्ट होगा। मतलब आप इधर वाले से अपना पी निकाल के यहाँ पे रखो और इधर वाले से आप सॉल्व कर लो, या फिर आप ऐसे ही बोल दो कि यार दोनों का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट सेम है, अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो दोनों को बराबर कर दो,
बराबर करेंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, तो क्वेश्चन आपका सिर्फ ये बचेगा 6/, ये 100 भी कट गया, 6/5 इक्वल टू आर इंटू टू। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू सीधा सीधा 15% आएगी, क्योंकि ये भी कट जाएगा तीन बार, तो आर की वैल्यू 15% होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर उन्होंने लिखा है कि यार सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पे सेम चाहिए, प्रिंसिपल चेंज करने की बात नहीं की गई, तब क्या करेंगे आप वैसे ही चेक कर लो कि 6% एक साल के अंदर है, 6% एक साल में है, तो भाई 5 ईयर्स के अंदर कितना मिल जाएगा टोटल आपको 30%। 30% अगर 5 ईयर्स में मिल जाएगा तो आर इंटू टी कर दो यहाँ पे, जैसे मैं आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ, आप ऐसे सोच लो कि 30% का इंटरेस्ट चाहिए। 30% का इंटरेस्ट अगर मैं आपके पास आया, मैं आपके आप पे बोलता हूँ कि यार 30% का मुझे इंटरेस्ट चाहिए 2 साल में, तो भाई एक साल में कितना चाहिए होगा 15%, और एक साल है वाले को तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, आर परसेंट नहीं बोलते, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है, चाहे आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए 4% फॉर 9 ईयर्स यील्ड ₹1980 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। At what rate of interest the same amount can be received on the same sum after 6 years? Similar question है भाई, principle भी same है, simple interest भी same होगा, तभी तो amount same मिलेगी। तो अगर same same ही हो रहा है तो आप वैसे ही चेक कर लो कि 4% एक साल में होगा, तो भाई 9 साल के अंदर अंदर कितना मिल जाएगा टोटल 36%। 36% अगर आपको यहाँ पे टोटल 6 साल में चाहिए, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट चाहिए होगा 6%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। हो सकता है नहीं समझ आया होगा तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे 4% अगर एक साल में है तो 9 साल में कितना मिल जाएगा 36%, और यही 36% अगर आपको यहाँ पे 6 साल में चाहिए तो आर परसेंट हम कितना रखेंगे। तो आप इस कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, एट वट रेट पर एनम परसेंटेज एनो एट वट रेट परसेंटेज पर एनो विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी Before by 25 of the principal amount, remember that the principal amount in 4 years. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास कोई principal होगा, कोई r percent होगा जो हमें find करने, और time आपके पास given है 4 year, और simple interest कितना given है? Simple interest given है 4/25 of the principal amount लिखा हुआ है, तो मतलब 4/25 of the principal amount। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सबसे आपको इजी है, आप याद कर सकते हैं यहाँ पे पी आर टी बाय 100 इक्वल टू एस आई। तो एस आई कितना है हमारे पास 4/25 पी इज इक्वल टू पी इंटू आर जो हमें फाइंड करना है, टाइम 4 साल डिवाइड बाई 100। मैंने सिर्फ इसके अंदर ये अप्रोच लगाई और ये मैंने यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर कोई भी नया फॉर्मेट नहीं है। पी से पी कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4%। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व हो गया, बट ऐसा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हर बार सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं भी आएगा, बहुत बार ऐसा होगा क्वेश्चन थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में घूम जाएगा। तो उसको समझने के लिए आपको इस लैंग्वेज को, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का 4th कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना होगा। 3 कंसेप्ट पहले बताए, 4th कंसेप्ट अभी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हालांकि हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको समझना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि इसका कंसेप्ट क्या होगा, उसने बोला है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, उसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट, आगे कोई लाइन लिखी है 4/25, आगे एक लाइन लिखी है ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या होता है, पी। तो याद रखना, मैंने आपको परसेंटेज में ये चीज बताई थी कि डिनोमिनेटर वाला जो भी पार्ट होता है वो हमेशा पीछे होता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना होगा यहाँ पे 25 होगा सीधा सीधा फंडा, और 4 आपके पास क्या होगा आगे वाला अप्रोच होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले लगाया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। कहानी समझ आ रही है, फॉर्मूला वही लगेगा, 4 से 4 कट गया, ये से कट जाएगा 4 बार, और आर की वैल्यू कितनी आएगी 4%। हमने पिछले क्वेश्चन को भी, जो इसी का 14 नंबर क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन बताया था वो भी अच्छा है, बट ये हमें आज नहीं तो कल ये अप्रोच हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ सीख रहा है तो ये चीजें आपको याद ही होनी पड़ेंगी। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा पीछे रहेगी, कभी आगे नहीं आ सकती, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ए सम ऑफ मनी बिकम, बिकम का मतलब मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, बिकम का मतलब होता है भैया अमाउंट, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में करवाया भी था।
सेवन बाय फोर ऑफ इट सेल्फ, इट सेल्फ का मतलब प्रिंसिपल, इन फाइव ईयर्स एट ए रेट ऑफ सम इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, आपको अपने आप ही समझ आएगा मैं क्यों आपको जोर दे रहा था अभी अभी जो समझाने की मैंने कोशिश की। तो इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपको समझ ऑटोमेटिकली आने लगेगा। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल, आर, टी और सिंपल इंटरेस्ट, इनकी चार की बातें होंगी, बट इस क्वेश्चन में आपके पास अमाउंट दे दिया यार उन्होंने। उन्होंने बोला है अमाउंट जो है वो सात बटा चार ऑफ द प्रिंसिपल है। कैसे पता चला? बिकम से, बिकम लिखा हो, मनी टू लिखा हो, वो हमेशा अमाउंट होती है। यही चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। और हमें ये भी पता है, हर एक बच्चे को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अमाउंट क्या होती है। अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट तो है सात बट्टा चार ऑफ द प्रिंसिपल, इट सेल्फ लिखा है। प्रिंसिपल हमारे पास ये रहा और ये हमारे पास एस आई, तो क्या हम यहाँ पे सात बट्टा चार ऑफ पी माइनस पी इक्वल टू एस आई कर सकते हैं? क्या यहाँ से सिंप्लीफाई करके तीन बट्टा चार ऑफ द पी में एस आई निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाला जा सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि एस आई इतना है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो पी से पी कट गया, अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इससे कट जाएगा टोटल 20 टाइम, चार इससे कट जाएगा टोटल यहाँ पे 5 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर परसेंट सीधा सीधा निकलते हुए आ रहा है कि 15% होगा। बस ये आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे अमाउंट गिवन है या फिर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ये दो ही गिवन होंगी, तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा मत समझे कि यहाँ पे कोई नया मोड आ जाएगा, नया कोई हाई फाई लेवल होगा। इस फॉर्मेट में यही क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगर आप बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। बैंक एग्जाम में मैं मानता हूं या कैट एग्जाम में थोड़े से मॉडिफाई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बाकी सभी पेपर के अंदर ये लेवल इतने तक ही आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 8 इयर्स। ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल को या तो आप पी ही मान लो या एक्स मान लो, या फिर पी को हम हमेशा 100 मानते हैं तो 100 भी हम मान सकते हैं, ठीक है। उसने बोला है यहाँ पे सम ऑफ ए मनी ट्रिपल इटसेल्फ, ट्रिपल का मतलब होगा यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट होगी वो हमारे पास यहाँ पे तीन गुना हो जाएगी, तो अमाउंट आपके पास यहाँ पे 300 आएगी, ठीक। तो हमें पता है जो अमाउंट अगर यहाँ पे 300 होगी वो तभी हो सकती है अगर आपको इंटरेस्ट 200 का मिलेगा। जैसे मैं आपको बोलूँ अमाउंट किसके बराबर होगी, वो होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हमारे पास अमाउंट जो है वो 300 है, प्रिंसिपल अगर हमारे पास सिर्फ 100 है, तो क्या यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आप फाइंड करोगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 200। ये हमने 100 माना था, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये इमेजिनरी क्वेश्चन चल रहा है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा सिंपल इंटरेस्ट 200 आया है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो होगा सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100 करेंगे तो आपका फॉर्मेट याद आ जाएगा फॉर्मूले वाला। तो 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा, 8 इससे कट जाएगा यहाँ पे, तो आर आपके पास सीधा सीधा आएगा 25%। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ ए मनी फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम इज 60 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट 7% पर एनम, फाइंड द सम। ये अभी अभी क्वेश्चन किया था उसके जैसे ही क्वेश्चन है, आप इसको फॉर्मूला वाइज लगा के भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा चेक करें कि 10% एक साल में होगा तो 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको यहाँ पे 20%, और अगर यहाँ पे 7% एक साल में होगा तो 3 साल के लिए कितना मिल जाएगा उसको यहाँ पे टोटल 21%, ठीक है। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ पे 1% आया और गिवन कितना है हमारे पास यहाँ पे 60 के बराबर। उन्होंने यहाँ पे सम पूछा हुआ है तो सम हमारे पास यहाँ पर कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दैट इज इक्वल टू द 6000। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, ए सम वाज पुट एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 5 इयर्स, हैड इट बीन पुट एट 5% हायर रेट इट वुड फेच 500 रुपीज मोर, फाइंड द सम। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि 5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है 1 साल में। अगर 1 साल में इंक्रीज होगा तो 5 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा, टोटल 25%, और 25% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 500 गिवन है। अगर मैं पूछूं 1% तो 1% की वैल्यू क्या होगी 20,
और सम क्या मतलब पूछू तो सम हमारा क्या होगा 100%, तो 100% की वैल्यू अगर मैं यहाँ से जानकारी निकालू तो 100% कितना होगा 20 × 100। ये मेरे ख्याल से अब तक तो सम याद ही हो गया होगा कि 100% होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2000। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4500 आफ्टर 5 ईयर्स हैड द इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4% मोर, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट राइट नाउ। ठीक है, अजम्पशन यहाँ पे बोला गया कि प्रिंसिपल आपके पास 10,000 है। मान लो ये अजम्पशन ना गिवन होता तो इसका आंसर हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन आता। क्यों आता वो भी मैं यहाँ पे सारी कहानी बताने जाना। ठीक है, आप फॉर्मूले वाइज इसको नोट कर लो अच्छे से, शॉर्टकट भी है इसका, बट पहले आपको फॉर्मेट आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल तो वो क्वेश्चन में पता नहीं है। प्रिंसिपल जो भी होगा 5 साल के लिए होगा और आर परसेंट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा पता नहीं, तो हमें पता है कि पी आर टी बाय 100 करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ से इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पता नहीं, आर हमें पता नहीं, टी हमारे पास है 5 ईयर्स, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 4500 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी बार क्वेश्चन वालों ने बोला है कि जो भी प्रिंसिपल था उसको नहीं चेंज करेंगे, बट जो आर परसेंट है वो आपका 4% इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास फिर से वही होगा, और डिवाइड बाय अगर मैं इसको 100 करूंगा तो अब बताओ नया इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर यहाँ पे एक इक्वेशन है सॉल्व करेंगे या तो पी सॉल्व करेंगे या आर, बट दोनों को एक साथ एक ही इक्वेशन में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए दोनों के वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल हमें पता होना जरूरी है, मतलब एक इक्वेशन दो वेरिएबल होगा तो आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल अजम्पशन करने के लिए 10,000 बोला गया है। अगर आप यहाँ पे 10,000 को फिल कर दोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला नहीं बचेगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 4500। सबसे पहले दो जीरो कट गई, ये वाली दो जीरो इधर कट गई और ये आपके पास इधर कट गया, तो आर कितना आएगा 9। 9 को यहाँ पे फिल करेंगे तो आपके पास देखो प्रिंसिपल तो 10,000 ही रहेगा ये वाला अजम्पशन वाला। अगर मैं 9 को अंदर 4 को ऐड करूंगा तो ये 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। तो 00 से 00 कट गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नया इंटरेस्ट है वो कितना आएगा 6500 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट। अभी तक मैंने आपको इस फॉर्मेट के ऊपर ये फॉर्मूला बताया, दूसरा अगर ये प्रिंसिपल नहीं गिवन होता तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों होता मैंने वो बताया। ठीक है, अब आते हैं इसके शॉर्टकट के ऊपर। शॉर्टकट देखो, जिन्होंने 18 क्वेश्चन कर लिए उनको शॉर्टकट इजिली समझ आएगा। सीधा सीधा सा फंडा है कि 4500 रुपए जो भी थे वो तो उसको मिल ही रहे। आर परसेंट अगर बढ़ेगा, आर परसेंट अगर इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट 4500 से ज्यादा मिलेगा, 4500 से कम तो मिलेगा नहीं। तो कितना ज्यादा मिलेगा, अगर आर परसेंट आपके पास 4% बढ़ गया 5 साल के लिए, 4% तो 1 साल में बढ़ेगा ना, तो 5 साल के अंदर टोटल 20% बढ़ जाएगा 4 × 5 करने पे। तो अगर 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट किसके ऊपर होगा, यही तो इंटरेस्ट है, इंक्रीमेंट आपका प्रिंसिपल के ऊपर होगा। तो 20% अगर मैं पूछूं भाई 10,000 का कितना होगा, तो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2000। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि 4% 1 साल में बढ़ा है तो 5 साल में कितना इंक्रीमेंट होगा 20%, 20% अगर आपको 10,000 का निकालना पड़े क्या 2000 आएगा, तो मतलब आपको अभी के लिए 2000 पे ज्यादा मिलेंगे। तो आपको अभी के लिए इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, टोटल 6500 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए लेंट रुपीज 600 टू बी फॉर 2 ईयर्स, 150 टू सी एट 4 ईयर्स, रिसीव्ड ऑल टूगेदर फ्रॉम बोथ रुपीज 90 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे 600 रुपए, आर हमें यहाँ पे पता नहीं, टाइम है इसका 2 साल का, तो पी आर टी बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट, दूसरे का पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट ऐड करने पे आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 90, तो क्या यहाँ से 90 लिखेंगे हम। अब कोई बच्चा इसके लिए भी कोई पार्टनरशिप का रूल लगाएगा, कोई शॉर्टकट लगाएगा, आपको इतने ज्यादा शॉर्टकट वॉर्टकट के अंदर उलझना ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि आपको पी आर टी वाला फॉर्मूला याद करना जरूरी है, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट थोड़ा याद करने हैं। आपको मैं ये पहले बता चुका हूं कि दो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद करने पड़ सकते हैं, एक दो कंसेप्ट पढ़ने पड़ सकते हैं, बट सारे कंसेप्ट नहीं आपको रटने, आपको ये पी आर टी से क्वेश्चन सॉल्व करना है और इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे ये कट जाएगा, यहाँ से आप इसको कट करोगे, ये 50 के टेबल पे 3/2, इससे कट करेंगे 2 times, तो ये कितना आएगा मेरे पास 12 आर, ये कितना आ रहा है 6 आर इक्वल टू 90, तो ये टोटल आएगा 18 आर
इज इक्वल टू 90, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5%। यही क्वेश्चन वालों ने पूछा था, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 800 अमाउंट टू, देखो मैंने बोला था आपको अमाउंट टू का मतलब क्या होगा, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इसका मतलब अमाउंट होता है, ठीक है। कौन सी अमाउंट, ये पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाली। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 800 रुपए जो थे वो 920 रुपए बन गए 3 साल के अंदर, तो अगर अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो इंक्रीज कर दिया जाए बाय 3%, तो बताओ न्यू अमाउंट आपको अब कितनी मिलेगी। तो सिंपल सा फंडा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 920 रुपए तो सेम नहीं मिलेंगे, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, 920 से ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है ना, सीधा सीधा फंडा। बट अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो बेसिक से हमें समझना जरूरी है कि हमें पता है कि प्रिंसिपल 800 है, आर हमारे पास पता नहीं, टाइम है 3 इयर्स, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, बट यहाँ पे अमाउंट गिवन है 920, तो ये अमाउंट किसके बराबर होगी, 800 प्लस इंटरेस्ट के बराबर होगी। कैसे, क्योंकि अमाउंट जो होती है वो आपके पास होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 920 अमाउंट है, 800 आपका प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप इसको इसमें से माइनस करने के बाद निकालोगे, 120 यहाँ से आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा प्रॉपर, 8 और 3 24 24 इससे कट जाएगा 5 बार, तो आर की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे 5%, क्लियर। सो क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल 800 है और आर परसेंट 3% बढ़ चुका है, यहाँ पे 5 था 3 बढ़ गया तो 8% हो गया होगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम, आपकी बात करूं तो टाइम अभी भी 3 इयर्स है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या न्यू इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 से 2 जीरो कट गई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 192, तो 192 का इंटरेस्ट अब मिलेगा। तो अब अमाउंट कितनी मिलेगी, अमाउंट होती है हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस जो अभी का इंटरेस्ट है, तो आपके पास अभी की अमाउंट 992 होगी, ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, क्लियर। बट अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी तो सोच ही सकते हैं कि 800 रुपए जो थे वो 920 रुपए बन गए आफ्टर 3 इयर्स, और 3% का इंटरेस्ट आपका पास इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर 3% का इंटरेस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है 1 साल में, तो 3 साल में 9% बढ़ जाएगा, तो 800 का सीधा ही 9% देख लो ना कितना आएगा, 800 का सीधा 9% 72 आएगा, तो 72 अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट कर दूंगा तो अभी के अमाउंट आपके पास 992 आएगी, ये आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, ए पर्सन लैंड 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% ऑफ द रेस्ट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम। सम को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, तो उसकी कैलकुलेशन के ऊपर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन का बेनिफिट क्या है, कि जो आपको यहाँ पे मैं इस बैच में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फिरदौसी बैच में इस टाइप के आपके हर एक क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, अभी सिर्फ 22 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, 60 नंबर तक बहुत ज्यादा अपडेट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, तभी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसे वाले टाइप वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि इनका तो शॉर्टकट काफी आसानी से कर सकते हैं, जिनको शॉर्टकट नहीं आता वो बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अभी इसका सोल्यूशन। आई होप सबने इसको बेसिक से कर लिया होगा वीडियो को पॉज करने के बाद, अगर नहीं किया तो करना आपका फर्ज बनता है, तो आप एक एक क्वेश्चन को जरूर आप ट्राई करें, ठीक है। जो सम हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, एज ए प्रिंसिपल, ठीक है। ए पर्सन जो है वो 40% का जो कहता है कि हमने जो सम प्रिंसिपल है वो इसको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दे दिया, हम इसको पी को या तो पी मान के लेकर जा सकते हैं या फिर आप इसको 100 मान के भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो 100 अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल था, 100 प्रिंसिपल का जो हमारे पास 40% होगा वो 40 ही होगा। इसको अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 का 40% तो 40 होगा, तो यहाँ पे जो 40 इंटरेस्ट था इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट उसने 15% का देना है, तो इसके ऊपर 15% मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमेशा 1 साल का लिया रहेगा, या तो फिर लिखो ही ना या फिर 1 साल, ठीक है। पी आर टी बाय 100 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट, फिर आप चेक करोगे यहाँ पे 50% ऑफ द रेस्ट, अगर 100 में से 40 का डाटा आपका खत्म हो चुका है तो बचा कितना 60 का 50%। अब हर एक बच्चे को पता है भाई 60 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो कितना पैसा आएगा यहाँ पे 30 रुपी, तो यहाँ पे जो 30 रुपया है उसको 10% आर के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अगेन अगर 60 था टोटल, 60 में से 30 चला गया, 60 में से अगर 30 चला गया तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 30 डाटा बचा आउट ऑफ ए प्रिंसिपल 100,
सो जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो हमारे पास यहाँ पे 30 ये वाली है, इसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 इक्वल टू इंटरेस्ट। अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो आप सारे बच्चे बताओ ओवरऑल इंटरेस्ट मेरी पूरी कैलकुलेशन का आएगा। अब इसके ऊपर देखो, इसको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे आंसर आपका डायरेक्ट आपको दिखता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, बट इसके आगे शॉर्टकट एक बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 15% है, तो सारे बच्चे ध्यान से समझना, क्या मैं इसको 40/100 मान लूं? 40/100 लिखने का यहाँ पे क्या फायदा होगा, आप चेक कर लो। आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना 14%, और ये 15 को आप साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट आप यहाँ से लिख लो 30, तो ये कितना हो जाएगा 30/100 और मल्टीप्लाई बाय 10। इसको आप चेक करोगे ये कितना हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाय 18। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये पहली वाली लाइन ही तो लिखी है सेम टू सेम, इसमें फर्क क्या हुआ? बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ऐसे करने के बजाय डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं, वही जो मैंने आपको पहले शॉर्टकट में थर्ड कंसेप्ट में बताया था, जिसका मैंने बोला था कि प्रॉफिट लॉस में भी क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर? तो वो क्वेश्चन कौन सा था? यही टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रिंसिपल है 40%, उसका 40%, अब आपको पता चल गया 40% मैंने क्यों लिखा, 40% दिया 15 के ऊपर, तो 15 से मल्टीप्लाई, और 100 में से 40 चला गया 60 बच गया, 60% का 50% कितना होगा 30, उसका आर परसेंट। अगर 40 में से 60 में से 100 में से पहले 40 कम किया 60 बच गया, 60 में से 50% 30 कम किया तो 30 बच गया, 30 हमारा ये रहा। क्लियर हुआ? कुछ बच्चों को क्लियर हुआ, जिनको नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीकों से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हमारी कैलकुलेशन आएगी, यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हैं 2/5, 5 इससे कट करेगा 3 टाइम तो ये आएगा 6, और ये डबल से डबल जीरो यहाँ पे कट जाएंगी तो ये आएगा 3, यहाँ पर एक जीरो कटेगी 18 × 3 = 54 और 10 ये 5.4, ओवरऑल आप ऐड करोगे 8 और 6 = 14 तो ये 14.4 का इंटरेस्ट मिला। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये ओवरऑल इंटरेस्ट आपके पास इतना मिला। अगर आपके पास इंटरेस्ट 14.4 है और प्रिंसिपल कितना माना गया था 100, तो ये आपको 100 के ऊपर इतना इंटरेस्ट मिला, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ओवरऑल इंटरेस्ट आएगा, दैट इज 14.4%। तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे थर्ड इसका सही होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें खुद, तभी आपको ये समझ आएगा कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर इसका तो ये भी शॉर्टकट है, वो एक दो यूट्यूब पे वीडियो इधर उधर की देखेंगे, उनको लगता है कि यार ये शॉर्टकट तो बताया नहीं सर ने। देखो मैं आपको ये नहीं, आपको ये आदत डालना चाहता कि हर क्वेश्चन का आपको अलग से शॉर्टकट याद करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 60 में से अगर मैंने 30 क्वेश्चन आपको याद करने के लिए बोल दिया कि ऐसे ऐसे करो, उसका कोई फायदा नहीं है। पेपर में अगर नया क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा, पेपर में नया क्वेश्चन तभी बनेगा अगर आपको बेसिक आता है। तो मैं आपको बेसिक में से ही शॉर्टकट बता रहा था जो आपको मैंने अभी अभी बताया। ठीक है, बट आपको बेसिक से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, मंगा टुक के लोन एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इन द फर्स्ट ईयर विद एन इंक्रीमेंट 0.5% इन द सब्सिक्वेंट ईयर। शी पेड, शी नहीं आएगा, ही आएगा, ही पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹3375 आफ्टर 4 years। हाउ मच लोन डिड शी टेक, शी नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझना ये था, मंगा ने 6% के ऊपर इंटरेस्ट लिया, तो पहले साल का इंटरेस्ट तो भैया 6% हुआ, दूसरे साल का 0.5 बढ़ गया, तो 0.5 बढ़ाएंगे तो 6.5%, तीसरे साल फिर से 0.5 बढ़ गया 7%, चौथे साल फिर से 0.5 बढ़ गया 7.5%। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू एड ऑल ऑफ दिस, बिकॉज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, सबका एड हो गया। 6 और 6 = 12, 12 और 7 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 19, 19 और 7 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 26, 26 और हाफ हो जाए, हाफ हाफ ऐड करेंगे 1, दैट इज 27%। 27% का इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में गिवन है 3375। अगर मैं आपसे पूछूं 1%, तो 1% का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3375/27। उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, कितना लोन लिया था, चाहे लोन लिया हो चाहे लोन दिया हो, हमेशा क्या होता है 100%। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से 100% क्या होगा, तो आप यहाँ से 100% निकाल सकते हैं 3375/27 × 100। क्लियर? अब यहाँ पे कैलकुलेशन बचेगी, आपको इतना तो पता चल गया ये आंसर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे कई बार कैलकुलेशन बहुत ही इजी आती है, कई बार थोड़ा बहुत टेबल आएगा वो आपको करना पड़ेगा कवर। अगर आपको 27 का टेबल आता है आप उस पर कट कर लो, नहीं तो यहाँ पे 3 के टेबल के ऊपर आप कट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1125, फिर यहाँ पे आएगा 9, फिर आप 9 के टेबल पे कट कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे आप वन टाइम कट करोगे तो आपके पास ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 22,
फिर आएगा हमारे पास टू टाइम, तो आपके पास ऑप्शन ही आएगा, मतलब ये आपके पास 125 ही आने वाला है। 125 इंटू 100 करेंगे, दैट इज 125,00। सो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 24, ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन थ्री डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 10%, 12% and 15% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। एट द कम्प्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज। तो रेशियो इन्वेस्टमेंट की पूछी गई है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लो कि हमारे पास फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी आर टी बाई 100 करेंगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा, ये तो क्लियर है सबको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पहला इन्वेस्टमेंट बोलूँ तो वो पी वन होगा, दूसरे का पी टू होगा, तीसरे का पी थ्री। यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा ना यहाँ पे कि डिफरेंट है सेम है, वैसे तो देखो यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, ठीक है, तो हम डिफरेंट पी वन पी टू पी थ्री मान के चलेंगे। अगर ये ना भी लिखा होगा तो आप इसको डिफरेंट मानो सेम मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे डिफरेंस लिखा तो डिफरेंस मान के चलेंगे पी वन पी टू पी थ्री। अब इसका पहले का आर परसेंट कितना है, यहाँ पे आप चेक करेंगे 10%, और पहले का टाइम कितना है 6 साल, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका इंटरेस्ट पी टू इंटू 12 इंटू 10, तो दूसरे वाले का आर और टी लिख लिया मैंने, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 100 करेंगे तो इसका इंटरेस्ट, तीसरे वाले का पी थ्री मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 12, तो पी आर टी करेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे तो तीसरे का इंटरेस्ट, तीनों के इंटरेस्ट आपस में क्या है यहाँ पे इक्वल है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सेम इंटरेस्ट, तो मैं इंटरेस्ट इक्वल करूंगा बराबर, यहाँ पे 100 से 100 कट गया, ये 60 120 से 2 टाइम और 180 से 3 बार कट गया, तो आपके पास आएगा यहाँ पे पी वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी टू इक्वल टू थ्राइस ऑफ पी थ्री। कई बार बच्चे इसका ये देखते हैं कि यहाँ पर ये आंसर आ गया तो इसका आंसर ये होगा 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन भी नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बताया था रेशियो प्रोपोर्शन में कि अगर 1 2 3 लिखा होगा तो इसको आपको एलसीएम वाइज सॉल्व करना है, जैसे 1 2 3 का एलसीएम आएगा 6, 6 से आपको इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 6। रेशियो P2 6 से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो इसकी रेशियो आएगी 3, फिर आएगा रेशियो P3 के अंदर हमारे पास 3 है तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा मेरे पास 2, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या होगी हमारे पास 6:3:2 होगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का सही है। ध्यान रखना, बैंक वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखना प्रॉपरली, कि अगर आपके पेपर में यहाँ पे सेम इंटरेस्ट ना आया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, उन्होंने सेम इंटरेस्ट की बजाय यहाँ पे लिख दिया सेम अमाउंट, तो क्या करोगे फिर, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आप 4-5 तरीके सोचो, उसका अलग शॉर्टकट है इसका अलग है, क्योंकि अमाउंट वाले का मैंने बहुत जगह देखा है, इसको ऐसे पढ़ा दो ऐसे करवा दो इसके लिए ये कर लो वो कर लो इतना सा कर लो, बस ऐसे याद करवाया जाता है, बट आपको याद नहीं करवाने की कोशिश कर रहा मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ जब अमाउंट आएगा तो अमाउंट को बराबर करो। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पी वन इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो आपके पास ये आपके पास अमाउंट हो गया पहले का, तो उसके अंदर आपको बस यहाँ पे इसका प्रिंसिपल और इसका प्रिंसिपल अलग से ऐड करके सॉल्व करना है, क्लियर, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा, उसमें अलग हलचल मत करना कि अलग शॉर्टकट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 800 इन 2 ईयर्स, ₹920 इन 3 ईयर्स, व्हाट इज द सम। अब आपको ये पता है कि अमाउंट टू लिखने का मतलब क्या है, ये मैंने बहुत बार बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ही होता है, ठीक है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो मतलब कहने का जो हमारे पास ये 3 साल का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट होगा तभी 920 बनेगा, और अगर प्रिंसिपल के अंदर मैं यहाँ पे इसको चेक करूं तो ये हमारे पास 2 साल का इंटरेस्ट है तभी ये 800 बनेगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो पी से पी कट गया, तो इसको आप माइनस करोगे तो 1 साल का जो SI है क्या वो 120 आएगा, अगर 1 साल का SI 120 है तो 2 साल का SI कितना होगा फिर 240, इसका डबल, तो आप इसको इसके इक्वेशन के अंदर फिल कर सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का SI और इक्वल टू इंटरेस्ट, तो क्या हम यहां से प्रिंसिपल फाइंड करेंगे इसको माइनस करने पे, वो आएगा मेरे पास यहां पे 560, और प्रिंसिपल को ही सम बोलते हैं, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसके अंदर आपको अलग अलग कंसेप्ट नहीं ढूंढने, वही है जो बेसिक से मैंने पढ़ाया उसी से करना है, काफी बार सोचा जाता है कि इसका ये शॉर्टकट है वो शॉर्टकट है, हर एक का करने की समर्था अलग अलग हो सकती है, कई बार बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 साल का आपको पता है कि ये अमाउंट है और 3 साल का अमाउंट है, तो आपको पता है 1 साल का इंटरेस्ट अलग होगा, और 1 साल का इंटरेस्ट मिला कितना यहाँ पे ₹120, फिर 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 240, तो 240 अगर मैं प्रिंसिपल इस अमाउंट में से माइनस कर दूं 2 साल वाली में से तो क्या प्रिंसिपल आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए सम ऑफ ₹125,00 टू ₹15,000 इन 2 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो सबसे पहले आप चेक करोगे तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, यहाँ पे 125, यहाँ पे 00, और यहाँ पे देखो ये 2 लिखा मिला, तो 2 का मतलब क्या होता है, अमाउंट। तो अमाउंट आपके पास कितने है, यहाँ पे 15,000। हमें पता है जो अमाउंट होती है उसका एक ही मकसद होता है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना। तो अगर अमाउंट मेरे पास यहाँ पे 15,000 है, प्रिंसिपल है यहाँ पे 12,500, तो क्या हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? यहाँ से आप कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट निकालोगे तो 2 साल का इंटरेस्ट आपके पास आएगा 2,500 रुपये। आगे आप चेक करोगे, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, SI=PRT/100। हालांकि इसको मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, बट हमें हमें ये चीज को रट लेना है कि अगर आर परसेंट है तो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? अगर आर परसेंट होगा तो ज्यादा उलझना नहीं है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो अगर ये 2 साल का इंटरेस्ट आपके पास 2,500 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है इसका 12,500, आर परसेंट हमें पता नहीं, टाइम है 2 साल का लिखा हुआ है, तो क्या डिवाइड बाय 100 करके मैं यहाँ से आर परसेंट निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आप इसको इससे कट करेंगे तो ये 1250 आएगा, 1250 आप इससे कट करेंगे 10 आएगा, 10 से कट करेंगे तो आर परसेंट 10% बच रहा है, ये वाला, यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 के से जाने से पहले इसी का एक बार आप शॉर्टकट समझ लो अच्छे से। जैसे आपके पास 12,500 है और ये 15,000 है आपके पास 2 साल के बाद, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको 2 साल का 2,500 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। 2 साल का 2,500 मिल रहा है, तो 1 साल का कितना मिल रहा होगा यहाँ पे 1,250। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल के ऊपर होता है, और जो भी आपके पास इंटरेस्ट मिला वो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, तो प्रिंसिपल का 1,250 कब आएगा, 10% पे आ तो रहे, तो यही इसका उत्तर होगा। फिर आपको ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसे शॉर्टकट किया जा सकता है, तो ये वही शॉर्टकट है अगर आप इसको विदाउट कॉपी पेन करना चाहते हो, ठीक है? जो मैंने समझाया इसको आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 28 28 वाला अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? 28 के लिए सबसे पहले आप चेक कर लो, मैं बेसिक से समझाने से पहले आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बट इससे पहले आप इसको बेसिक से एक बार ट्राई करो, चाहे शॉर्टकट से करो, वीडियो को पॉज करके, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करो, ठीक है? 3 साल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3 साल के बाद अगर आपके पास 8,400 मिल रहे हैं, फिर 6 साल के बाद मिल रहे हैं 12,000 रुपये, और उसने पूछा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, तो बताओ इंटरेस्ट का रेट कितना था। क्लियर? तो अगर मैं आपको वैसे बोल दूं कि यहाँ पर आप ईयर में चेक कर लो, तो 3 से 6 ईयर चलेंगे तो यहाँ पे 3 साल का गैप आया। अब इसमें प्रिंसिपल थोड़ा चेंज होगा, इसमें इंटरेस्ट ही चेंज होगा, सिंपल सी बात, प्रिंसिपल तो पहले वाला ही रहा होगा, तो प्रिंसिपल पहले वाला रहा होगा, तो इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में, 12,000 में से इसको माइनस करेंगे तो 3 साल में 3,600 रुपये का इंटरेस्ट रहा होगा सीधा सीधा, 12,000 माइनस 8,400, ठीक है? तो 3 साल का इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे 3,600 रुपये है, और अगर मैं 3 साल इसको पीछे ले जाऊं, क्योंकि प्रिंसिपल में 3 साल का इंटरेस्ट ऐड करने पे 8,400 आपको मिल रहे हैं, तो अगर इसमें से 3,600 में बाहर ही कर दूं, 8,400 में से 3,600 बाहर करेंगे तो 4,800 रुपये का आपका प्रिंसिपल होगा या नहीं होगा? सीधा ही प्रिंसिपल निकाल लिया पिछले वाले फॉर्मेट से। अगर आपको 4,800 रुपये का इंटरेस्ट मिला, 3 साल के अंदर आपको 3,600 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 4,800 आपका प्रिंसिपल आया, आप इसको इससे कट कर लो, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा होगा, 1,200 रुपये, 1,200 इसका कितना पार्ट है, 1/4 दिख रहे हैं, क्योंकि 1,200 4,800 का कितना नंबर पार्ट है, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या 25% नहीं होता, तो यही इसका आर परसेंट होगा। बट ये आपको जो मैंने लाइन बनाई है ये तभी समझ आएंगी अगर आपको बेसिक आता है, जो मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसे कि आपको इसका मैं पूछूंगा, अगर 3 साल का इंटरेस्ट है, ऐड करने के बाद अमाउंट बन गया, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल में 3 साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद कितना पैसा बन गया, 8,400, प्रिंसिपल में 6 साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद बन गया यहाँ पे 12,000 रुपये। इसको इसमें से आप अगर माइनस करोगे तो आप खुद चेक करो, पी से पी कट जाएगा, और 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,600 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये, इसको उठा के पहली लाइन में फिल कर दूं, पहली लाइन में फिल करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल प्लस 3 × SI, SI 1 साल का कितना है यहाँ पे 1,200 रुपये, तो क्या आप इसको इसमें से माइनस करने के बाद यहाँ से प्रिंसिपल निकालोगे 4,800 का, या अगर आपके पास प्रिंसिपल आ चुका है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ पे 1 साल का लिखोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, अगर आप यहाँ पे 3 साल का लिखोगे, अगर आप यहाँ पे 3 साल लिखोगे तो भाई 3 साल का इंटरेस्ट आएगा 3,600। क्लियर है? अगर हम 3 को 3 से कट कर दें, आप इसको 0 से कट कर लो और इसको यहाँ पे आप कट करोगे
तो आर परसेंट सीधा सीधा आएगा आपके पास 25%। दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो शॉर्टकट था वो तो तभी समझ आएगा अगर आपको ये वाला अप्रोच समझ आ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29। A sum of a money at a simple interest amount to 1012 in 2.5 years and rupees 1067.2 in 4 years. Find the rate of interest. Same question है जो अभी अभी किया था, but calculation इसमें थोड़ी सी अपडेट है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। अगर मैं पूछूं आपसे अमाउंट टू, तो आपको पता चल गया ये किसकी बात हो रही है भैया, अमाउंट की। तो अगर मैं प्रिंसिपल के अंदर यहाँ पे 4 साल का इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो आपको पैसा मिलेगा 1067.2, और प्रिंसिपल के अंदर अगर मैं 2.5 ईयर का इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो आपको मिलेगा पैसा यहाँ पे 1012। क्लियर। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो पी से पी कट गया, 4 एंड 2.5 को कट करोगे तो 1.5 बचेगा। तो 1.5 का इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा इसको माइनस करने पे, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड 5, और ये हमारे पास आएगा 5। बाकी सारा कंडीशन सेम। 1.5 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो किसके बराबर आएगा मेरे पास यहाँ पे 5.5/2। क्लियर है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस कंडीशन को, उन्होंने क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करने को भी बोलना है, क्योंकि प्रिंसिपल निकलेगा तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल सकता है। अगर आप इसको यहाँ पे कट करोगे ये आपके पास कट जाएगा 1 टाइम, फिर आएगा 25, दैट इज 8.4, और ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा ही किसके बराबर आएगा मेरे पास यहाँ पे 36.8। इसकी एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लो, क्योंकि हमने शायद कैलकुलेशन में कोई एरर ना किया हो। ठीक है, 3 से कटेगा 1 टाइम 28, और 25 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यही डाटा आएगा। ये आपके पास 1 साल का क्या आया, हमारे पास इंटरेस्ट आया। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट आ चुका है तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर लो या फिर यहाँ पे अप्लाई कर लो, अब ये आपकी मर्जी है। क्लियर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, तो यहाँ पे 2.5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास कितना है यहाँ पे 36.8 है, तो 2.5 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा, आप इसको सीधा 5/2 कर दोगे। 2.5 साल को 5/2 लिख सकते हैं, 2 इससे कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास 18.4, और 18.4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 90, और 90.92। आप इसको कैलकुलेट एक बार जरूर करें, ये आपके पास 92 आएगा। इस इक्वेशन को यहाँ पे फिल करो, मतलब प्रिंसिपल प्लस 92 इक्वल टू 1012। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल निकल के आएगा, आप इसको इसको 92 को इसमें से जो माइनस करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में से 9 जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 8 और 9। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे 9 हमने गलत लिखा है यहाँ पे, ये हमारी कैलकुलेशन में एरर है। यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, 920 आएगा। तो प्रिंसिपल हमारा इस क्वेश्चन में कितना है 920। क्लियर। अब उन्होंने क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम। अगर हम टाइम 1 साल का लिखेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, और अगर हम यहाँ पे 2.5 लिखेंगे तो 2.5 का इंटरेस्ट लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अगर मैंने 1 लिखा है तो 1 का इंटरेस्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे 36.8 है। इसको हटाएंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये वाली 0 और ये वाली 0 इससे कट गई, और आप इसको कट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास 4 टाइम कट जाएगा। तो आर परसेंट कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 4% पर है ना, दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। सम ऑफ रुपीज 8000 रुपीज, सम ऑफ 8000 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन 2% ए एंड बी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 एंड 5%। द टोटल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 750। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिटवीन ए एंड बी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एफकैट के पेपर और सीडीएस पेपर के अंदर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 अप्रोच सिखाई जाएंगी प्रॉपरली। अभी तक मैंने सिर्फ आपको 3 कंसेप्ट सिखाए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, चौथा कंसेप्ट अब शुरू होगा। 3 कंसेप्ट के ऊपर आपके 30 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। अभी इस 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको ये पॉइंट सीखना है कि हम इसको मिक्सचर एलिगेशन से करें या फिर बेसिक से करें। ऐसा नहीं है बेसिक से आंसर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 पर्सन की बात करूँ, 1 पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, दोनों को 8000 रुपये मिले हैं कंबाइन। डिवाइड करने का मतलब है उनको कंबाइन मिले होंगे। अगर मान लो ए को 100 रुपया मिला है, तो बी को यहाँ पे 8000 में से यहाँ पे 100 रुपया कम मिला होगा। बात समझ आ रही है यहाँ पे, ये आपको क्लियर हो गया। इसको 4%, इसको 5% इंटरेस्ट चाहिए, टोटल इंटरेस्ट मिला है 750। अब अगर मैं पूछूं आपसे तो पहले का प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, ये रहा मेरे पास 2 साल का इंटरेस्ट। दूसरे का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100, तो दूसरे का इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों का इंटरेस्ट ऐड करने पे कितना मिल रहा है 750 मिल रहा है।
तो यहां से आप कैलकुलेट करके पहले एक्स निकालेंगे, उसको आप यहां पे रखेंगे और उसको यहां पे रखेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उनकी रेशियो बनाएंगे, क्लियर। फिर आपका आंसर आएगा। एक तो यही तरीका है, इसको आप नोट कर लो, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है जो हमने पहले सीखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, ठीक है। अब चलते हैं इसके बेसिक के अलावा एक शॉर्टकट के ऊपर। अगर मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 8000 है, इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको मिक्सचर एलिगेशन आना जरूरी है। मिक्सचर एलिगेशन क्या बोलेगा कि अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, या तो सारी एक एक साल के ऊपर ही करो, या तो सारी की सारी कैलकुलेशन 2 साल के ऊपर करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे 1 साल की करो, यहाँ पे 2, ये चीज गलत है। या तो एक एक साल की कैलकुलेशन करो, या फिर 2 की, या फिर 3 की, एक ही साथ करनी होगी। जैसे मैं लिख लेता हूँ कि 1 साल के बाद इसको कितना इंटरेस्ट मिला, 4%। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा कि 4% आप कैसे लिखोगे, या तो आप यहाँ पे परसेंटेज में लिख लो 4%, बी को कितना मिला 5%, क्लियर। और इनका कॉम्बिनेशन कितना है, 750। बस 750 तो 2 साल के बाद मिला है, 750 अगर 2 साल के बाद मिला है तो 1 साल के बाद कितना मिला होगा, 375। और 375 8000 के ऊपर कितना परसेंटेज में लेकर आ रहा है आपको इंटरेस्ट, तो 375 8000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेकर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे कट गया। अब जब आप इसको कट करने बैठोगे तो ये पॉइंटों में आ रहा है, तो पॉइंटों में लिखोगे, कैलकुलेशन में फंसोगे, ठीक है। तो जब आपकी कैलकुलेशन ऐसे फंसे, उसके लिए आपको मिक्सचर एलिगेशन का एक रूल सीखना है। बाकी जब मिक्सचर एलिगेशन करवाया जाएगा तो आपको ये रट जाएगा ऑटोमेटिकली, और काफी इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन कि जो 4% है ना, मान लो कि 8000 का सारा पैसा आपने 4% के ऊपर ही लिया है, दूसरे बी बंदे को दिया ही नहीं कुछ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 8000 का 4% कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 320। तो ए वाले को 320 रुपए मिले, बी वाले को क्या होगा, बी वाला कहता है यार मुझे भी 5% के ऊपर इंटरेस्ट मिलना था, तो बोलते हैं 8000 रुपया तुम ले लो, ए को मत दो। तो बी वाला कहता है अगर मैं लूंगा तो मुझे यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे 400 रुपए का, तो यहाँ पे इसको 400 रुपए का इंटरेस्ट मिला। हमने 1 साल की बात की है, 2 साल के बाद अगर 750 मिल रहे हैं तो 1 साल के बाद 375 मिल रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखो, अब लगाएंगे मिक्सचर एलिगेशन, इन दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पे, और जो भी इनकी रेशियो आएगी उस रेशियो को कट करेंगे, और जो हमारे पास ये कट करने के पास ये वैल्यू आएगी वो वही होगी जो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक्सेस से कर पाएंगे, और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन आगे क्या आएगा, आगे ये होगा, ये बताओ कि ए का पैसा कितना है, बी का पैसा कितना है 8000 में से। तो अगर मैं आपको बोल दूं ए और बी का कि ए की इन्वेस्टमेंट और बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो ये है, तो टोटल रेशियो 16, और 16 की वैल्यू अगर आपके पास 8000 गिवन है तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? फिर आपके आगे जाके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बट उससे पहले आपको इसको ऐसे सीखना होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हम परसेंटेज से क्यों नहीं कर रहे, परसेंटेज से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन में फंस रहे थे तभी हमने ऐसे इसको यहाँ पे वैल्यू से कर लिया। बट अगर कोई स्टूडेंट परसेंटेज से करना चाहता है, बेफिक्र होकर आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31, ए पार्ट ऑफ 2000 इज लेंट एट 6% पर एनम एंड द रेस्ट सम इज 8% पर एनम। If the total interest earned after 4 years is 5000, then the sum lent at 8%. तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी बेसिक से कर लो कि एक है 6%, दूसरा 8%, या तो आप बेसिक से एक्स वाई जेड लेकर कर लो, या फिर देखो कि 2000 का 2000 पैसा आपने 6% के ऊपर दे दिया तो इसका 6% 120 होगा, फिर 2000 का आपने 8% दे दिया सारे का सारा, तो 2000 का 8% 160 होगा। बट 4 साल के बाद अगर 500 रुपये मिल रहे हैं तो 1 साल के बाद आपको 125 रुपये मिल रहे होंगे कट करने पे, तो इनका कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 35। जो भी आपके पास यहाँ पे रेशियो आएगी उस रेशियो को अकॉर्डिंग ही आप पैसे डिवाइड करोगे। 7 and 1 का टोटल हो गया 8, और 8 की वैल्यू क्वेश्चन वालों ने कितनी दे रखी है 2000, तो अगर 1 की वैल्यू पूछोगे तो क्या 250 नहीं होगी कट करने पे? उन्होंने क्या पूछा है, 8% वाला पैसा बताओ, तो 8% वाला 1 ही था और 1 की वैल्यू निकल चुकी है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, रुपीज 12,000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 years पार्टली एट अ स्कीम एट ए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड पार्टली इन द स्कीम बी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 18,800। What amount of money invested in scheme A? Same type का question है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे A और B के बारे में लिखूं, तो A वाला कहेगा यार मुझे तो 5% इसके ऊपर सारे दे दो, तो इसका 5% निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 600।
फिर अब बी वाला बोलता है नहीं यार मुझे तो 8% चाहिए, तो बी वाले को 12,000 का यहाँ पे 800 दे दो, बी वाले को 12,000 का 800 देगा तो कितना आएगा 960। अगर किसी को नहीं पता तो हम ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 1800 मिला, तो 1 साल का इंटरेस्ट 900 नहीं होगा, बताओ। अगर हमने यहाँ पे 1 साल की कैलकुलेशन किया तो मिडल में भी 1 साल का कैलकुलेशन आएगा, उसके बाद लिखा जाएगा मिक्सचर एलिगेशन, दोनों का डिफरेंस आएगा 300, इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे 60, और जो भी आपके पास यहाँ पे रेशियो बनेगी उस रेशियो के अंदर ही ये पैसे डिवाइड होंगे। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 6, और 6 की वैल्यू गिवन है हमारे पास यहाँ पे 12,000, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे कितनी 2,000। उन्होंने पूछा यहाँ पे 1 ही पैसा, तो 1 का पैसा मेरे पास 1 है और 1 की वैल्यू 2,000 है, और ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी विल बी 210 आफ्टर 3 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स प्रिंसिपल बिकम 4 टाइम, देन द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 6 ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, ये नया टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। पहले इसको मैं बेसिक से करके दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता कितना है और आर परसेंट भी नहीं पता कितना है, टाइम पता है 3 साल का, तो PRT/100 करेंगे तो 210 रुपये मिलेंगे, ये तो क्लियर है। अब उन्होंने बोल दिया अगले 3 साल के लिए प्रिंसिपल 4 गुना हो गया, तो पी था 4P हो गया, आर हमारे पास पता नहीं है, टाइम तो अब भी 3 साल है, अगर 3 साल यहाँ पे होंगे 3 साल यहाँ पे होंगे तभी तो 6 साल होगा ना टोटल, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका भी इंटरेस्ट आएगा, बट इसका इंटरेस्ट ये 4 वाले को भारी रखो, तो बाकी आप देखोगे ये वाला जो पैसा है, ये वाला पैसा तो यही हुआ ना फिर, तो आप इसको यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट जो आपके पास 3 ईयर्स होंगे उसमें आपको इंटरेस्ट 840 रुपये मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपको 3 और 3 6 साल का कितना मिलेगा इन दोनों को ऐड करने पे, दैट इज इक्वल टू 1050, दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये आपका बेसिक क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर जो सेकंड था उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन है, जो मैंने आपको 100% वाले करवाए थे ना क्वेश्चन, उसके अंदर मैंने बोला भी था कि ये फॉर्मूला आपका आएगा, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन का आपको एक मैं बेसिक जादू बता देता हूँ, बेसिक इसका शॉर्टकट भी है बट आपको ये अप्रोच समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, 3 साल का इंटरेस्ट अगर 210 रुपये है तो अगले 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, अगर प्रिंसिपल 4 गुना हो गया ना तो इंटरेस्ट भी सीधा 4 गुना हो जाएगा, ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 6 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1050, इन दोनों को ऐड करने पे। सर यहाँ पे प्रिंसिपल होगा तभी ऐसी कंडीशन होगी क्या, अगर सर आर परसेंट हुआ फिर भी सेम कंडीशन होगी भैया, अगर आर परसेंट मान लो 4 है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे ना तो भी आपका ये कंडीशन लगेगा, अगर आर परसेंट कम हो रहा है तो भी ये लगेगा, बट इसमें और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पंगा है, टाइम सेम होना जरूरी है, अगर यहाँ पे 3 साल है तो यहाँ पे 3 साल होने जरूरी है, 2 साल है तो 2 साल होने जरूरी है, क्लियर है। अगर नहीं समझ आया तो इसी अप्रोच से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधा सीधा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ए सर्टेन सम ऑफ ए मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स डस इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी बेसिक क्वेश्चन है आपके सिंपल इंटरेस्ट में से, और सिंपल इंटरेस्ट क्या, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी सिमिलर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे बिकम लिखा है, बिकम का मतलब हर एक को पता है अमाउंट होता है, तो अगर यहाँ पे हमने सोचा कि प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो अमाउंट कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 300 हो जाएगी। हमें ये भी पता है जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने को बोलते हैं, तो अगर ये 300 है, ये मेरे पास 100 है, तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाओगे, दैट इज इक्वल टू 200 आफ्टर द कैलकुलेशन, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 से 300 होने में आपको पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 20 साल का सीधा सीधा। बाद में बोला गया कि ऐसा करो यार 100 रुपये तो ठीक था, आप डबल कर दो, डबल के लिए तो ये हुआ ना 200 रुपये बना दो, फिर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा अलग से, 100 रुपये देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट में। अगर 200 के लिए यहाँ पे 20 साल लग रहे हैं तो बताओ 100 के लिए 10 साल नहीं लगेंगे, अगर यहाँ पे इसका वो हाफ हो गया तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर 10 ईयर्स होगा। नहीं समझ आया फिर से समझा रहा हूँ, प्रिंसिपल जो था वो आपके पास क्या होगा यहाँ पे ट्रिपल हो गया, 3P हो गया, प्रिंसिपल 3P हो गया, तो आपको क्या ऐड करना पड़ा 2P, तभी आपको यहाँ पे 20 साल लगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बट प्रिंसिपल कहते हैं कि आप ऐसा करो यार आपने इसको डबल कर दो, डबल करोगे तो भैया 1 बार P ऐड होगा, भाई अगर 2 बार P ऐड कर रहे थे 20 साल लग रहे हैं, अगर 1 बार करोगे तो 10 साल नहीं लगेंगे बाय यूनिटरी मेथड, तो ये आपके इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स। बट रिमेंबर दैट
ये कंसेप्ट आपका ओनली वैलिड है जब आपका क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होगा। ये क्वेश्चन सेम आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, वहां पर आप इसको ऐसे नहीं करोगे, वहां पर क्या होगा वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखेंगे और क्यों होता है वो भी सीखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35, नितिन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज एट 24,000 एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम एंड द अनदर अमाउंट एट ए 10% पर एनम, द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ द वन ईयर विल बी द सेम एज द इंटरेस्ट अर्न वेन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए 6% पर एनम। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब यहाँ पे नितिन ने 24,000 पे लगाए, 24,000 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100, और प्लस जो नीति ने दूसरा अनदर अमाउंट है, अनदर अमाउंट एक्स है, उसके ऊपर 10% एक साल डिवाइड बाय 100, दोनों का कंबाइन इंटरेस्ट जो है वो है टोटल अमाउंट का 6%। टोटल अमाउंट कितना हुआ भैया? 24,000 तो एक रहा, दूसरा आपके पास एक्स रहा, तो टोटल अमाउंट का 6% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। तो क्या आप यहां से कैलकुलेट करके एक्स निकालेंगे? बट एक्स आपका आंसर नहीं होगा, याद रखना उन्होंने लास्ट में पूछा टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास यहाँ पे 24,000 प्लस एक्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे नीति ने एक पैसा दिया है 4% का, दूसरा देना चाहता है यहाँ पे ओवरऑल 10% का, और 4% 10% ओवरऑल दोनों का 6% का उसको ओवरऑल इंटरेस्ट का मिल रहा है दोनों का कंबाइन। तो आप जब इसका डिफरेंस लेंगे यहाँ पे 2% आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 4% आएगा, और जो भी इनकी यहाँ पे रेशियो बनेगी वो आएगी यहाँ पे 2:1। अब खुद सोच के देखो कि ये वाली वैल्यू उसने यहाँ पे 24,000 पे रखी थी, तो यहाँ पे कितनी है? तो अगर 2 की वैल्यू यहाँ पे 24,000 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 12,000 नहीं होगी। उन्होंने ये पूछा है कि यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि 10% वाली अमाउंट थी कितनी, उसका आंसर होता 12,000। उन्होंने पूछा टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट ये हुई ना 24 और 12, 36,000, तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। क्लियर? तो मिक्सचर एलिगेशन काफी कैलकुलेशन से बचा देता है, बाकी मिक्सचर एलिगेशन की कहानियां वहां पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द एनुअल रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 8% to 13%, ए मैन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय 4,800, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, 8 से 13% आते आते आपको पता चल गया कि इंक्रीमेंट 5% का हुआ एक साल में, और पैसा कितना बढ़ा 4,800, वो भी आपके पास है एक साल में, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,800 by 5 multiply by 100, इससे आप कट करेंगे यहाँ पे 20 times, इसको आप डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 96,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन नंबर आपका यही आएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन SBI एंड BOB आर इन द रेशियो 5:7, ये आपके पास क्या है? रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट। गोकुल वांट टू डिपॉजिट हिज टोटल सेविंग इन 2 banks इन सच ए वे दैट ही रिसीव एन इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट, इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, फ्रॉम बोथ बैंक। ही शुड डिपॉजिट इन बोथ बैंक SBI इन द रेशियो, मतलब उसको कितने पैसे यहाँ पे जमा करवाने चाहिए ऐसा उन्होंने पूछा है। देखो इक्वल हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने के बाद पैसा वापस, ठीक है ना, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, इक्वल का मतलब पता ही है बराबर होना। तो आप ऐसे सोच के चलो, सिंपल सा फर्क आप यहाँ पे ये सोच के चलेंगे कि P1 को आप यहाँ पे P1 मान लो, R पहले वाले का कितना है यहाँ पे 5, हम यहाँ पे इसके अंदर रेशियो वाइज भी कर सकते हैं 5x वगैरह कर सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइम की बात करें तो 6 महीने को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 साल हो जाएगा, क्योंकि आर परसेंट तो हमेशा ईयरली होता है। प्रिंसिपल आर टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू इंटरेस्ट, दूसरा क्या आएगा P2 मल्टीप्लाई बाय आर, दूसरे के वाले का आर 7 है, उसका टाइम क्या है 6 महीने, सेम आपके पास है, तो 6 महीने डिवाइड बाय 12 करेंगे ईयरली आएगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट क्या है बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है इक्वल है, तो 6/12 इससे कट गया, 100 100 इससे कट गया, तो आप खुद सोच के देखो 5 of P1 equal to 7 of P2, तो उन्होंने P1 P2 की रेशियो पूछी है, तो हमारे पास यहाँ पे P1 by P2 अगर आप करोगे दैट इज इक्वल टू 7/5, तो क्या हम इसको 7:5 बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, विक्रम इन्वेस्टेड सम मनी इन थ्री डिफरेंट स्कीम फॉर 4 years, 8 years, 12 years एट 10%, 15%, 20% सिंपल इंटरेस्ट, एट द कंप्लीशन ऑफ ही स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है,
इस क्वेश्चन को सारे बच्चे वीडियो को आपने खुद सॉल्व कर लेना, इस क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो ये आपका होमवर्क है। इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अभी क्वेश्चन आपके ऐसा मत सोचना कि अभी यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गया, कुछ क्वेश्चन बचे हैं और इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बचे हैं, तो वो वीडियो के बिल्कुल एंड में होंगे, तो उसको आप जरूर देखना, ठीक है। हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन आपको लगे यार ये तो होगी, सारे क्वेश्चन ही होंगे, बट इंस्टॉलमेंट वाले आपके एंड में आएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके मिक्स अभी हो जाएंगे, ठीक है। विक्रम ने 30,000 रुपये डिवाइड करने हैं दो फ्रेंड के अंदर, एक को 15,000 6% के ऊपर, दूसरे को 10% के ऊपर, जो रिमेनिंग पैसा बच गया, ठीक है, नहीं 10% नहीं, 15,000 एक बंदे को देगा, उसको 6% का इंटरेस्ट चाहिए, उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट किसके ऊपर, 30,000 में से। तो बताओ जो विक्रम ने दूसरे पर्सन को पैसा दिया होगा, वो बताओ कितना पैसा दिया होगा और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया होगा, ठीक है। तो अगर मैं सीधे सीधे वर्ड्स में बोलूं, विक्रम के पास अगर दो फ्रेंड हैं, उसमें से अगर एक बंदे को यहाँ पे 15,000 रुपये देगा, तो नेचुरल सी बात है दूसरे को भी 15,000 देगा, तभी तो 30,000 होगा, पहला फंडा तो क्लियर। फिर आप खुद ही सोच के देखो कि 30,000 में से 15,000, आपको ये मैंने समझाया भी था आज के लेक्चर में कि 30,000 में से 15,000 उसने कितने के ऊपर दिया, 6% के ऊपर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस फिर आपके पास है 30,000 में से हमें कितने पैसा दिया उसने, 15,000, कितने के ऊपर पता नहीं, और ओवरऑल इंटरेस्ट इसको 10% मिला, ये आपको मैंने थर्ड कंसेप्ट में समझाया था, ठीक है। तो यहां से आप कट करोगे तो ये बिल्कुल ही इजी हो जाता है, 1/2, यहां से कट करेंगे ये हो जाएगा 1/2, ये इससे कट जाएगा 3%, और 3% इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 1/2 ऑफ एक्स इक्वल टू 7%, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14%, तो मतलब दूसरे बंदे को 14% के ऊपर इंटरेस्ट पे रखना पड़ेगा, तभी ओवरऑल उसको 10% का इंटरेस्ट होगा। अदरवाइज आप इसको इक्वेशन वाइज बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर पहले का प्रिंसिपल है इसका आर परसेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100, दूसरे का आर परसेंट मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू ओवरऑल इसे 30,000 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100, यहां से सॉल्व करके भी आप आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपका सेम टू सेम हो चुका है, 14.4 इसका आंसर भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ रुपीज 1,2,3,0 फॉर 2 इयर्स इज 10 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज 1,1,3,0 फॉर द सेम ड्यूरेशन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी नो दैट PRT by 100 equal to interest. So we know that अगर principal हमारे पास 1230 है, rate interest हमें नहीं पता, ठीक है, time हमारे पास यहाँ पे same duration है, तो हम यहाँ पे time को ना 2 साल लिख लेते हैं। अब कई बार बच्चे यहाँ पे 2 साल नहीं लिखते, कई बार time यहाँ पे given है, sorry यहाँ पे time given है, तो 2 साल लिखो, ठीक है। तो divide by 100 कर लो, minus principal, दूसरे वाला ये principal, into इसका r percent, multiply by time, divide by 100, दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 रुपये, मतलब पहले वाले का इंटरेस्ट 10 रुपये ज्यादा है, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो डिफरेंस ही आएगा। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 0,0 कट गया, इसका 0 इससे कट गया, ठीक है। बाकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और आर इसमें से कॉमन निकालो, आर बाय 10 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 2,4,6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2,2,6 इक्वल टू 10, 10 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इसको आप माइनस कर लोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 20, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा यहाँ पे 100, तो कट के आपके पास आर परसेंट कितना आएगा, 5%, दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसके लिए आपको अलग से कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना, आप इसको बेसिक से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इन सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 5%, एट व्हाट रेट इट बिकम 7 टाइम ऑफ इटसेल्फ। ये आपके पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, हमेशा ये क्वेश्चन टाइम के ऊपर पूछा जाता है बट मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बोला है। कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करना चाहता है बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको, बट आप इसको पहले शॉर्टकट से समझे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल है वो कहता है कि यहाँ पे 4 टाइम हो गया, बिकम का मतलब अमाउंट, तो इसका मतलब 4p होने का मतलब है कि इंटरेस्ट उसको यहाँ पे 3p का मिला होगा। फिर वो कहते हैं कि चलो ये बताओ पी का छोड़ो, पी को हमने यहाँ पे 7 टाइम करना है, पी को अगर 7 टाइम करना है तो इंटरेस्ट कितना करना पड़ेगा, 6p का, तो 3p के लिए अगर 5% है तो 6p के लिए 10% होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर 3p के लिए 5% है तो 6p उसका डबल हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डबल होगा, तो आंसर आपका बी आएगा, क्लियर। बट फिर भी नहीं समझ आया तो आप इसको बेसिक से करें कि आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल तो ठीक है, जो अमाउंट है वो आपके पास यहाँ पे 4 टाइम्स है,
हमें पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट अगर यहाँ पे 4p है और ये p है, तो क्या यहाँ से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पे 3p आएगा। अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू आर, आर हमारे पास यहाँ पे 5 गिवन है, टाइम हमें नहीं पता, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3p। सबसे पहले p से p कट जाएगा, 5 आपके पास इससे कट जाएगा 20, तो टाइम कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 60 साल आएंगे। क्लियर? बाद में उन्होंने बोला है कि अगर अमाउंट ये था तो ऐसा करो आप ये फिर से फॉर्मूला लगाओ, बट अब की बार जो अमाउंट है वो हमें 7 टाइम चाहिए। तो अगर आप इसको 7p रखोगे, इसको p रखोगे और आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट अब की बार कितना चाहिए 6p का, तो आप इसको फिर से फॉर्मूला लगाओगे प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। अब की बार यहाँ पे इंटरेस्ट आपको नहीं पता, ठीक है? टाइम आपके पास पहले जाए, यहाँ पहले वाला होगा, टाइम आपके पास 60 आ जाएगा और 60 डिवाइड बाय 100 करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू 6p। तो अब की बार यहाँ पे p से p कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 6 से 6 कट गया, तो r कितना आएगा आपके पास? 10% आएगा। मतलब पहले टाइम निकाल को यहाँ टाइम निकाल के दूसरी बार लगाना पड़ेगा, बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो एक लाइन का आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 5 इयर्स इज 100 rupees मोर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम फॉर 3 इयर्स एट ए 5% इंटरेस्ट, फाइंड द सम। ये क्वेश्चन तो बहुत बार हो चुका है, आप इसको वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट कर सकते हैं। 4% एक साल में मिलेगा तो भाई 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? टोटल 20% का। 3 साल के लिए आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो भाई अगर एक साल में 5% मिलेगा तो 3 साल के अंदर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 15% का। दोनों के अंदर इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5%, और गिवन कितने आपके पास? 100। तो अगर मैं पूछूं 1%, 1% की वैल्यू 20 होगी। उन्होंने सम पूछा, सम का मतलब प्रिंसिपल होता है, तो क्या प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पे 100% है? तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 × 100 करने पे? क्या हमारे पास ये 2000 हो जाएगी? और ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44। A sum of ₹4800 is lent out in the two parts in such a way that one part at a 10% for the 4 years is equal to the another part at the 8% for the 7 years. Find the two sum. दोनों के सम का एडिशन बताओ, यहाँ दोनों के सम बताओ कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो पहले वाले को अगर आप P1 मान लोगे, P1 into R into T divide by 100 equal to P2 into R into T divide by 100। हमने दोनों का इंटरेस्ट बराबर क्यों किया? क्योंकि लिखा हुआ है, सीधा सीधा सा फंडा है, जो लिखा है उसको बराबर कर देंगे। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, उन्होंने ये लिखा है कि इंटरेस्ट जो है वो इक्वल है। अगर अमाउंट इक्वल बोलते तो हमें यहाँ पे अमाउंट को बराबर करना पड़ेगा, फिर आपको प्रिंसिपल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इससे यहाँ पे कट जाएगा सीधा, फिर यहाँ पे 4 इससे कट जाएगा 2 बार, 2 इससे कट जाएगा यहाँ पे 5 बार, तो आपके पास टोटल क्या आएगा? 5 of P1 = 7 of P2। बट अगर मैं आपसे पूछूं P1 by P2 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 7/5, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, P1 P2 की रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, अगर रेशियो के अंदर चाहोगे तो रेशियो के अंदर टोटल कितना हो गया 12, और आपके पास रेशियो के अंदर 12 है तो 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4800 रुपया, यही तो है टोटल पैसा। और अगर एक की वैल्यू पूछोगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 400। उन्होंने पूछा यहाँ पे टू सम बताओ, अगर एक की वैल्यू 400 है तो बताओ 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये आएगी 2500, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई बाय आप 7 करोगे, दैट इज इक्वल टू 7 ही आएगा, 5 × 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 400 आएगा ना, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी मेरे पास 2000। तो 2800 और 2000 इसका आंसर होगा, तो 2800 और 2000 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। कई बार बच्चों को लगता है सर हम इसको ऐड करके देख लेंगे क्या 4800 बन रहा है, बिल्कुल आपको ऐड करके चेक करना है। जैसे यहाँ पे तो सबका 4800 बन ही रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बन रहा होगा तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी विल बी ₹400 आफ्टर 5 इयर्स, इन द नेक्स्ट 5 इयर्स द प्रिंसिपल डबल, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको समझाया गया था कि आपको पता है कि पी आर यहाँ पे टी करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 400 रुपये। बट अगर प्रिंसिपल डबल हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा 2p × r, तो वही है, टाइम फिर से 5 साल ही है, टाइम फिर से 5 साल ही है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नया इंटरेस्ट क्या होगा? भाई इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 400 गिवन तो है, इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 400 हो जाएगा, तो नया इंटरेस्ट आपको 800 रुपये मिलेगा, 5 साल ये, 5 साल ये, तो आफ्टर 10 ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा इनको ऐड करने पे? वो मिलेगा 1200 रुपये। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 45, नितिन बोरो सम मनी एट ए 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, 9% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड 13% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द 11 ईयर्स इज 8160, हाउ मच मनी डिड ही बोरो। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका मैंने करवा दिया, बट फिर भी आपको इसको बेसिक से हम करेंगे नहीं, हम सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। 6% अगर एक साल में है तो पहले 3 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 18%। 6% अगर एक साल में है तो 3 साल में 18। फिर उसने बोला है 9% एक साल में है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 45%, सीधा सीधा डायरेक्ट। बट आप चेक करोगे 3 एंड 5 कितना होगा? 8। 8 साल के बाद लिखा हुआ है फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स 13% का इंटरेस्ट मिलता है। भाई 8 साल के बाद 13%, तो टोटल है 11 साल। 8 साल तो 8 साल तक तो ऑक्यूपाइड है सारा कुछ, 8 साल तक तो यही हो गया, तो 8 साल तक खत्म हो चुका है, 11 साल तक इंटरेस्ट चाहिए, तो 3 साल के लिए 13% का इंटरेस्ट जाएगा, तो उसका मतलब है 39% अलग से इंटरेस्ट होगा। तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे, आप इनको ऐड करोगे 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास? 22। तो कैरी जाएगा 3, 3 एंड 4, 7, 7 एंड 3, 10। तो 102 आपके पास ओवरऑल इंटरेस्ट आएगा, जिसकी वैल्यू गिवन है 8160। उन्होंने पूछा कितना पैसा उसने बोरो किया, बोरो वाली अमाउंट क्या होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेशन वाइज निकाल पाएंगे। आफ्टर सिंपलीफिकेशन ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 8000। दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47, एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम टू बी लैंडिंग मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट, बट ही इंक्लूड द इंटरेस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। If he is charging as an interest for 10%, the effective rate of interest, याद रखे जब भी effective rate of interest आएगा तो question आपका compound interest जैसा बन जाता है, ठीक है, चाहे वो simple का ही हो, but अगर effective लिखा है तो compound interest। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मान लो अगर आपने principal को suppose आपने मान लिया कि 100 है, तो r percent कैसे calculate करेगा? r percent तो हमेशा जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है आपको यहाँ पे 10% per annum ही होता है, ये तो याद करने की बात ही नहीं कोई बची अब तक, ठीक है, ये तो हमने बहुत बार रट ही लिया होगा कि 10% होगा पर एनम ही होगा। बट अगर 10% पर एनम होगा तो 6 मंथ का क्या चक्कर है भाई? 6 महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो आर परसेंट भी तो आधा होगा या नहीं होगा? अगर एक साल में आपको 10% मिल रहा है तो 6 महीने में आपको हाफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल का आपको सिर्फ 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम। अब बात आती है यहाँ पे टाइम की, सर आप टाइम कितना लिखोगे? अब ध्यान रखना, इस बात को समझना जरूरी है हर एक बच्चे के लिए कि पहले 100 रुपए का प्रिंसिपल आर परसेंट अगर मैं यहाँ पे 5% लिखूंगा तो टाइम आप यहाँ पे 1 लिखोगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। इस 1 का मतलब ये नहीं है, इस 1 का मतलब ये नहीं है कि एक साल का हमने यहाँ पे डाटा लिखा है, इस 1 का मतलब होगा 6 महीने। कैसे? 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपको 5% के ऊपर मिलेगा, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो 5 आएगा, 5 यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लोगे। बट अगर फिर भी किसी को लगा यार ये पता नहीं कैसे लिख दिया ये वाला, कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर हमारे पास यहाँ पे 100 है, इफेक्टिव रेट की कैलकुलेशन है, आर परसेंट वैसे तो 10% का इंटरेस्ट आपको एक साल के बाद मिलेगा ही मिलेगा, बट उन्होंने अगर 6 महीने बोला है तो 6 महीने में आपका इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, तो प्रिंसिपल के बदले में आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का ही 5% का इंटरेस्ट और मिलेगा, दैट इज 5। तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल के ऊपर 5 रुपए का इंटरेस्ट वो ऐड कर दिया, लिखा तो है ना इन्होंने कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में इंक्लूड करेंगे तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे इंक्लूड होने के बाद आपका प्रिंसिपल 105 नहीं हो जाएगा? फिर जो 6 महीने का इंटरेस्ट था वो आपको अगला इंटरेस्ट आपको इसके ऊपर 5% का अलग से देना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 100 से इसको आप 5/20 करके चेक कर लो, बट जब आप इसको कट करेंगे ये आएगा 5/25 आएगा। तो नेक्स्ट जो 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा वो आपका 6.25 आएगा। तो जो प्रिंसिपल आपके पास 100 था वो प्रिंसिपल आपको एक तो ये वाला इंटरेस्ट देके गया 5 रुपए का, दूसरा इंटरेस्ट आपको ये देकर गया, तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको यहाँ पे? टोटल 10.25। और ये वाला इंटरेस्ट इस 100 का कितना परसेंट है तो आपको चेक करना आना चाहिए, परसेंट है 10.25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कट करेंगे तो 10.25% ओवरऑल इंटरेस्ट आएगा, तो आंसर आपका ये आएगा। हो सकता है किसी को याद आ गया हो कि ये कोई अलग मतलब नहीं होता इफेक्टिव का, ये वही मतलब होता है जो मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने क्लास लगाई है वो वाली फिरदौसी बैच में तो ये रट गया होगा आपको कि ये हमने कैसे कैसे ऐड किया, ठीक है। और अगर सक्सेसिव ही इफेक्टिव का मतलब होता है तो हम क्या इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं?
ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे 100% लगा सकते हैं, बट तब जब ये 10% ना हो, 6 महीने में ये आपका 5% हो जाए। तो पहला ए के लिए भी 5 और बी के लिए भी 5, और यहाँ पे 5 × 5/100 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10.25%। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 ईयर्स एंड टू 854 इन 4 ईयर्स, फाइंड द सम। तो ऐसे एक टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कवर कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ पे पता है कि अमाउंट टू की बात करें तो अमाउंट टू का मतलब अमाउंट ही होगा, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे 3 साल की बात करूंगा तो यहाँ पे 3 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा, अगर 4 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 साल का इंटरेस्ट होगा। तो सीधे ही हम इसको यहाँ पर गैप ले सकते हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट हमारा डायरेक्ट कितना आएगा, 854 − 815, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा हमारे पास 9 और 3, तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा मेरे पास 39। हमें पता है कि प्रिंसिपल के अंदर अगर 3 साल का आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तभी आपके पास 815 रुपये बनेंगे, और अगर मैं 39 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दूँ तो मेरे पास डायरेक्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल की आती हुई नजर आएगी, ठीक। तो 815 में से अगर 39 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 कैरी जाएगा, दैट इज 11। तो इसमें से आपको 117 को सिर्फ बाहर करना है, 15 में से 7 जाएंगे 8, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 2। तो आपको यहाँ 9, तो यहाँ पे 9 8 वाला एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी मेरे पास 698, दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49, ए पर्सन इन्वेस्टेड इन ऑल 2600 एट 4, 6 and 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ द 3 केसेस द मनी इन्वेस्टेड एट 4%। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर P1 की बात करो, P1 into R into time divided by 100, फिर उसने बोला है यहाँ पे P2 into R into time divided by 100, फिर उसने बोला है यहाँ पे P3 into R into time, R इसका 8% गिवन है, into time divided by 100। तो तीनों का इंटरेस्ट आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पर सेम, तो सेम का मतलब इक्वल होगा। तो सबसे पहले 100 एंड टी आपके पास यहाँ पे कट जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास यहाँ पे, 4 times of P1 इक्वल टू 6 times of P2 = 8 times of P3। इसको भी आप यहाँ पे 2 के टेबल पे कट करोगे तो 2 times of P1 = 3 times of P2 = 4 times of P3। अगर मैं यहाँ से रेशियो बनाने की बात करूँ P1, P2 and P3, तो रेशियो हमें यहाँ से बनानी आती है 2, 3, 4, तीनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 12, 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 6, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे 4, फिर आप 4 से डिवाइड करोगे 3। तो P1, P2, P3 की जो रेशियो आएगी मेरे पास ये आएगी, और इन तीनों का सम कितना आएगा मेरे पास टोटल 13। अगर 13 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 2600 गिवन है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 200 होगी। एक्चुअली में ये यूनिटरी मेथड ही होता है, जैसे 13 की वैल्यू यहाँ पे 2600 है, तो अगर मैं पूछूं 1 की वैल्यू तो 200 आएगी बाय यूनिटरी मेथड। उन्होंने 4% का डाटा पूछा है, तो 4% हमारे पास ये रहा, और इसी की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो ये रहा, तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे 6 की वैल्यू पूछी होगी, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 200 × 6 करेंगे, दैट इज 1200। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस ऑन रुपीज 1500 फॉर 3 ईयर्स इज 13.50, द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट अगर आप डायरेक्ट पेपर में देखोगे तो ये इसका ना तो कोई शॉर्टकट बनेगा अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है। तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल वही है जो हमने पहले सीखा हुआ है। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल तो 1500 है, R1 हमें यहाँ पे नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय टाइम 3 ईयर्स डिवाइड बाय 100 माइनस R2 1500 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 13.50। अब आप खुद ही चेक करो, अगर प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, बस आर परसेंट डिफरेंट है। इसका आर परसेंट पहले वाले का R1 है, दूसरे वाले का R2 है। उन्होंने इनका डिफरेंस पूछा है, मतलब R1 − R2 का डाटा उन्होंने पूछा है। तो इन दोनों कंडीशन में से आप सिंपल चेक करोगे तो ये कट गया आपस में, ये भी इससे कट जाएगा, दोनों में से 15 × 3 = 15 × 3 45 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, R1 − R2 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 13.50, क्लियर। सो अब यहाँ पे आपके पास जो 2 जीरो है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे आएंगी, 1 इससे कट जाएगी और 45 इससे कट जाएगा, टोटल 3 बार। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे R1 − R2 का, दैट इज 0.3%। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51,
ए बोरो रुपीज 800 एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड बी बोरो 910 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट ऑफ डेप्ट विल बी इक्वल। अमाउंट ऑफ डेप्ट जब इक्वल करनी होगी तो आपको सिंपल देखना है कि 800 रुपये ये तो ये हमारे पास थे ही थे। 800 के अंदर अगर मैं यहाँ पे 800 रुपये इंटू आर परसेंट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल के अंदर उसका इंटरेस्ट ऐड करूंगा तभी अमाउंट यहाँ पे आएगी। तो अमाउंट ऑफ डेप्ट का मतलब होगा कि अमाउंट को इक्वल करना है। अगर ये अमाउंट की बात करें तो ये अमाउंट हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, 910 प्लस 910 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो हमारे पास 800 रुपया है उसका 12%, 910 रुपये हैं उसका 10%, तो इनका अमाउंट और इनका अमाउंट आपस में इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए अमाउंट को बराबर कर सकते हैं। बस ये आपको पता होना जरूरी है कि प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड करेंगे तभी अमाउंट आएगा, ठीक है। तो दोनों को आप इक्वेट करके यहाँ से टी की वैल्यू निकाल पाएंगे। सबसे इजी तरीका क्या होगा, बाय ऑप्शन से आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, एक फॉर्मूला है जो कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड होगा। इंस्टॉलमेंट में डेप्ट जो होता है वही आपके पास प्रिंसिपल होगा, वही आपके पास सम होगा, वही आपके पास लोन होगा, वही आपके पास यहाँ पे जो भी आपके पास इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में होगा वो डेप्ट वाली वैल्यू इनमें से कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और आर और टी का तो आपको पता है क्या स्ट्रक्चर होता है, रेट ऑफ टी फॉर टाइम एंड आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इज ए एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करोगे, जब भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वीडियो को पॉज करके आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएं, आपका आंसर इंस्टॉलमेंट का आ जाएगा। पेपर में या तो डेप्ट दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट पूछा होगा, या फिर इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, डेप्ट पूछा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 53 के ऊपर चलते हैं, इस फॉर्मूले को आप याद करें। ये वाला क्वेश्चन वही है जो अभी अभी हमने पूछा था, फॉर्मूला गिवन किया था कि एनुअली इंस्टॉलमेंट फाइंड करो। एनुअली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है जो कि आपके पास डेप्ट है 6450, 4 साल टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। अभी जो फॉर्मूला दिया था या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करके अप्लाई कर दो, या फिर आपको इसका कंसेप्ट जो है वो ध्यान में आपको प्रॉपरली रट लेना है, जो इसका शॉर्टकट भी है और कैलकुलेशन में ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट जो भी होगी वो आप उसको मानोगे 100, दूसरी इंस्टॉलमेंट जितना आर परसेंट गिवन है उसमें उतना ऐड कर दोगे, 5 गिवन है तो 5 ऐड कर दोगे, फिर से 5 गिवन है तो इसमें भी 5 ऐड कर दोगे, फिर से आप 5 ऐड कर दोगे इसमें। तो ये ऐसे ऐसे चलती जाएगी। अगर 4 साल है तो 4 साल, 1 2 3 4, चारों को ऐड करना है और जो भी ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी उसको आप याद रखेंगे दैट इज ए डेप्ट वैल्यू। जो 100 था इसको याद रखेंगे दैट इज ए इंस्टॉलमेंट वैल्यू, क्लियर। पेपर में इन दोनों में से एक चीज गिवन होगी, एक पूछी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू आपके पास ये वाली गिवन है, तो क्या यहाँ पे 100 की वैल्यू निकाली जा सकती है, डिवाइड बाय 430 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, ठीक है। मैं रिपीट करूंगा इसी चीज को, 2-3 बार आपको रट जाएगा, फिर भी अगर नहीं पता चला वीडियो को बैक करके आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 944 आफ्टर 4 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 12%। या तो फॉर्मूला याद कर लो, या फिर है कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट 100 होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 12 इसमें बढ़ाएंगे तो 112, फिर इसमें 12 बढ़ा दोगे तो 100 यहाँ पे आ जाएगा 24, फिर से आप इसके अंदर 12 ऐड करोगे तो 136। 4 लिखा है तो 4 इंस्टॉलमेंट होनी जरूरी है, सबको ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर आएगा 36 और ये आएगा 472। जो हमारे पास ये वाला डाटा है इसको याद रखेंगे, ये आपके पास डेप्ट होगा, और ये वाले डाटा को याद रखेंगे ये आपका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास यहाँ पे डेप्ट गिवन है, इंस्टॉलमेंट पूछी जा रही है, तो 944 डिवाइड बाय 472 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 200 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, ये सेम ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे होमवर्क में आपने कवर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर देखो क्वार्टरली से घबराना नहीं है, विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 2120 इन 1 ईयर एट ए 16% पर एनम। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाला डाटा रहेगा कि क्वार्टरली का मतलब क्या है। अभी तक मैंने क्वार्टरली का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया, बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिस्कस किया रहेगा। क्वार्टरली का मतलब क्या होगा, एक्चुअली में 1/4। अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूंगा दैट इज ए 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर अगर मैं पूछूं कि आपके पास जो टाइम है वो कैसे मैनेज होगा, तो आपको पता है कि 1 ईयर के अंदर 12 महीने होंगे, तो 12 महीने का 1/4 करोगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको लगेगा। आपको भी पता है कि 3 महीने
एक साल में कितनी बार आएंगे? टोटल चार बार आएंगे, और चार बार को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोर टाइम्स बोलेंगे, और फोर टाइम के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी कैलकुलेशन होगी। जैसे इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे तो पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी इसमें, 100 होगी, बाकी इसमें यहाँ पे तीन इंस्टॉलमेंट और भी आएंगी, क्लियर। दूसरी बात, टाइम के जिक्र होने के बाद आपके पास ये टाइम की कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आर परसेंट है जो है वो आपके पास है एक साल का। आर परसेंट तो हर बार ही क्या होता है, एक साल का होता है, बट कैलकुलेशन तो 3 महीने की करनी है, तो 3 महीने को अगर आपने यहाँ पे 1 ईयर को अगर आपने 3 महीने में कन्वर्ट करना है तो 1/4 करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल को अगर आपने 3 महीने में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 4 आएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट आपका 3 महीने में 4% का होगा, तो 4% इसमें ऐड करेंगे, फिर से 4% ऐड करेंगे, और फिर से 4% ऐड करेंगे, तो चार इंस्टॉलमेंट डन। तो चारों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 424, और इसके आपके पास वैल्यू गिवन है 2120, क्योंकि सबको ऐड करने के बाद 12 और 12 सबको ऐड करने के बाद आएगा क्या, डेप्ट, और डेप्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है, और इंस्टॉलमेंट क्या होती है 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 2120 डिवाइड बाय 424 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। अगर यहाँ पे देखो इसको आपको सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये 212 होगा, जो कि इससे कट जाएगा 10 और यहाँ पे 5, तो ये डाटा आएगा 500। एक बार आपने इस कैलकुलेशन को खुद भी करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, द एनुअली पेमेंट ऑफ ₹700 इन 5 ईयर्स एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि डेप्ट कितना रहा, तो हमें पता है पहली इंस्टॉलमेंट तो 100 होगी, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट 10% ऐड करने के बाद होगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट इसमें भी 10 ऐड, चौथी इंस्टॉलमेंट 10 ऐड, पांचवी इंस्टॉलमेंट 10 नंबर ऐड। अगर 5 साल है तो 5 इंस्टॉलमेंट होंगी, सबको अगर मैं यहाँ पे ऐड करने को बोल दूं तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 500, ये हो गया 30, ये भी हो जाएगा, और ये ऐड करने के बाद आएगा टोटल 600। तो जो हमारे पास ऐड करने के बाद आएगा दैट इज ए डेप्ट, और सिंगल 100 इज ए इंस्टॉलमेंट। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन है 700, तो यहाँ पे 600 की वैल्यू, डेप्ट की वैल्यू कितनी होगी 600, 700 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600, तो कट करेंगे तो यहाँ पे डेप्ट की वैल्यू आ जाएगी 4200। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन थी, डेप्ट आपसे पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, द एनुअली पेमेंट ऑफ ₹80 इन 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपने घर से कवर कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है 59, ये आपके पास एक क्वेश्चन है 59, जिसका मैं आपको सोल्यूशन भी समझा रहा हूँ, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही अलग ढंग का है। ये क्वेश्चन तब यूज होगा जब डाउन पेमेंट आएगी, ठीक है। An article of ₹1800 is available at a down payment of ₹400 at 5 monthly installment of ₹300 each. Find out the rate of interest. तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आप सीधा सीधा डायरेक्ट करोगे। सबसे पहले 1800 में से 400 की डाउन पेमेंट जा चुकी है, तो बाकी कितना पैसा बच गया, 1400 रुपये। 1400 रुपये में से 300 की आपने पेमेंट यहाँ पे कर दी है पहली इंस्टॉलमेंट में, तो 1400 में से अगर पहले की 300 इंस्टॉलमेंट हो गया तो 1100 बचा, फिर 1100 में से 300 बाहर हो गया 800 बचा। ये पेमेंट आपकी ऐसे ऐसे करते हुए चलती जाएगी, बात समझ आ रही है। और उसके बाद 200 रुपए बच गए लास्ट में, तो 200 का यहाँ पे 200 ही पैसा दोगे ना वापिस, आप लास्ट में 300 रुपए नहीं दोगे, जितना पैसा बच गया क्लियर कर दोगे अपनी इंस्टॉलमेंट। उसके बाद इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ही इसको अगर लिखना भी चाहो लिख भी सकते हो, 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, जो भी आपके पास इंस्टॉलमेंट आएंगी 1, 2, 3, 4, और ये 200 रुपये आपने बाद में दिए, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 5वें नंबर पे, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये आपकी डाउन पेमेंट रही है, क्लियर। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा रहा है तो हमेशा याद रखना, जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है राइट साइड वाला, ये वाला पोर्शन क्या करेंगे, सारा का सारा ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो डाटा आएगा इसको मानोगे, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, PRT बाय 100 इक्वल टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा ये अभी हमें नहीं पता, और यहाँ पे टाइम भी कितना लगेगा वो भी नहीं हमें पता, बट ये तो पता है ना कि जो टाइम है वो एक एक महीने की इंस्टॉलमेंट दी है हमने, तभी तो 5 महीने हुए। अगर हम एक महीने का डाटा लिखेंगे तो हमें डिवाइड बाय 12 भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने का आर परसेंट नहीं होता है, हमेशा एक साल का होता है, तो एक महीने डिवाइड बाय 12 क्यों किया आर परसेंट के लिए, क्लियर हो गया। फिर आती कहानी की इंस्टॉलमेंट के अलावा यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कितना फालतू दिया, तो आप खुद ही सोच के देखो कि
कि अगर यहाँ पे आपके पास 400 रुपये आपने पहले दे दिए, ठीक है, टोटल पैसा कितना देना था हमने यहाँ पे 1800, 400 रुपये आपने पहले दे दिए, बचा कितना आपके पास 1400 रुपये, आपने टोटल मनी 1400 रुपये देनी थी अभी उसको, बट आपने बोला कि यार 300 रुपये के हिसाब से मेरे से 5 इंस्टॉलमेंट ले लो, तो भाई 300 रुपये के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट लेंगे तो आपने टोटल 1500 रुपये देने अभी और उसको। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपने यहाँ से देने 1400 थे, दे दिए 1500, तो 100 रुपये का आपने अलग से इंटरेस्ट उसको दिया है, तो वो इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आर परसेंट 30 आएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। थोड़ा सा लॉजिकली है, कंसेप्ट वाइज है, आपको इस क्वेश्चन को मैं अगर बोलूँ तो याद करने वाला कंसेप्ट बन जाता है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को सेल्फ स्टडी से करते हैं, आप भी वीडियो को पॉज करके कर लो। वैसे तो मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन किया है, इसको आप इग्नोर करके अपना आंसर चेक करो कि यहाँ तक आपका आंसर क्या आया, ठीक है। काफी बच्चे इसका आंसर 10% निकालेंगे, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो अभी इसका मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, समझ के आपने देखना है कैसे होगा। सबसे पहले 11 रुपये थे मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर देने, टोटल अमाउंट कितनी थी 10 रुपये, तो आपने 11 रुपये से यहाँ से शुरू करना है। बट यहाँ पे सर आपने पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, पिछले में आपने 400 माइनस किया, पिछला क्वेश्चन है डाउन पेमेंट का, आपने डाउन पेमेंट भी हमने उसको माइनस करवा दिया यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अंदर चेक करोगे इसमें डाउन पेमेंट का कोई चक्कर नहीं है, इसमें आपने पेमेंट थोड़ा चेक करनी है कि डाउन पेमेंट दी या नहीं दी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे कॉस्ट जो है पेन की वो है 10 रुपये, अवेलेबल है 11 मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि 1-1 रुपये की होंगी, तो बताओ आर परसेंट क्या होगा। सिंपल फंड है, 11 में से आपने पहले 1 रुपया दे दिया, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है, 1 रुपया दे दिया, 10 रुपये बच गए, फिर 10 के बदले में 1 रुपया दे दिया, 9 रुपये बच गए, फिर आपने 1 रुपया दे दिया 8, फिर आपने ऐसे 8 में से 1 दे दिया, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, ऐसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो 10 इंस्टॉलमेंट हुई है, हमने तो 11 इंस्टॉलमेंट करनी है, तो लास्ट में जब आप 1 में से 1 दोगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 0 की भी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वाला पोर्शन ध्यान में रखना है, बट आपको इतना उलझने से बेहतर है कि आप इनको ऐड ही कर लो सीधा सीधा। जब आप इनको ऐड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज ए कॉल्ड प्रिंसिपल, क्लियर। एंड प्रिंसिपल इनटू आर इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू इंटरेस्ट, यही हमने हमारा क्वेश्चन था। अब फिर से टाइम आपके पास मंथली है, तो भाई 1 महीने की इंस्टॉलमेंट है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तभी ईयरली होगा। दूसरी बात है कि आपके पास 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है 1-1 रुपये की, तो 11 रुपये आपने दिए, बट आपने देने थे 10 रुपये, तो कितना इंटरेस्ट दिया अलग से, 1 रुपये का इंटरेस्ट, तो 1 रुपया यहाँ पे आएगा। यहाँ से आप आर की कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका ये आएगा, दैट इज ए ई ऑप्शन, क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं, 10 और 11 का आंसर आता है 21/9, इसका आंसर 10% नहीं है, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है, ठीक है। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।